हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ब्रेन मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी क्लास क्लास ट्वेल्थ की हिंदी की बुक अंतरा भाग दो के खंड का दसवां अध्याय अध्याय है, है कुटज ये लिखित है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये हिंदी के गद्य खंड के हमारे हिंदी साहित्य के गद्य खंड के में निबंध विधा में लिखा गया है अब कुटज होता क्या है कुटज एक पौधा है हिमालय पर्वत की विकट परिस्थितियों में पैदा होता है इसमें फूल भी खिलते हैं तो फूल में ना गंध होती है मतलब ना सुगंध होती है ना इतना रूप होता है लेकिन तो तब भी जो है हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोला है, ये चीज हमको समझाने के इस पाठ के माध्यम से बताया है कि मनुष्य को भी इसी प्रकार का होना चाहिए जैसे विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को बनाए रखता है ये पौधा और जो है अपने आप को खिल खिलता खिलाता है उसमें फूल भी खिलते हैं सब कुछ होता है तो मनुष्य को भी इसी तरह विषम परिस्थितियों में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने आप को बनाए रखना चाहिए तो यहाँ पर अब हम इस निबंध को पढ़ेंगे कि ये निबंध क्या है तो उससे पहले हम देखेंगे इस पाठ का परिचय कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली फूल है इसी फूल की प्राकृतिक प्रकृति पर यह निबंध कुटज लिखा गया है कुटज में ना विशेष सौंदर्य है ना सुगंध फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए एक संदेश पाया है कुटज के अपराजय जीवन शक्ति है स्वावलंबन है आत्मविश्वास है और विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता है वहां समान भाव से सभी परिस्थितियों को स्वीकारता है मतलब उसके पास जो हैं वो बहुत विकट है हिमालय पर्वत ठंडा है बंजर रहता है वहां पर इतनी ठंडक रहती है कि वहां पर पानी भी जल्दी नसीब नहीं होता इस परिस्थिति में भी वो अपने आप को खिलाता है और समान भाव से खिला रहता है कहने का मतलब ये नहीं है कि मुरझा रहा है कुछ कर मतलब उसके अंदर का जो भाव है वो हमेशा दूसरों को प्रसन्न करने के भाव ही रहते हैं उसको देख कर इतनी विकट परिस्थितियों में देख भी हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है तो यहाँ पर मनुष्य को भी ऐसे ही रहना चाहिए पर्वत शोभा निकेतन माने गए हैं हिमालय को पर्वत पृथ्वी का मानदंड कहा जाता है इसे शिवालिक श्रृंखला भी कहते हैं मतलब ये जो पर्वत हैं ये जो है हमारी पृथ्वी पर जो है हर एक चीज़ को खींचते हैं जैसे हिमालय ना हो तो हमारे यहाँ मौसम की परिस्थितियाँ बदल जाएंगी भारत में मौसम की परिस्थितियाँ बदल जाएंगी तो हिमालय बहुत ज़रूरी है उसी तरीके से जो हिमालय है उसे शिवालिक श्रृंखला कहा जाता कहा है कहा आता है शंभू वहां बसते हैं शिवालिक का अर्थ है शिव के जवा जटाजूट का निचला हिस्सा जटाजूट का निचला हिस्सा जो होता है यहां पर पेड़ पौधों की जड़ें काफी गहरी पैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर ना जाने किस अतल गहा में अपना खींच लाते हैं मतलब यहाँ पे जो पेड़ उगते हैं पथरीले में और उनकी जड़ें बहुत अंदर तक होती हैं जहां पर इनको भोजन मिलता है मतलब एकदम पत्थर को फाड़ते हुए तक अंदर होती है और कहीं पत्थर की गहराई से वो अपने लिए भोजन खींचती है मतलब मिट्टी सॉयल जो मिलती है उनको बहुत अंदर मिलती है जहां से वो अपने लिए पोषक खींचते हैं ये पौधे शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर वृक्ष अलमस्त है मतलब जो शिवालिक की जो सूखी पहाड़ियां हैं भाई जब बर्फ रहेगी तो वहां पे ज्यादा हरियाली तो रहती नहीं है तो उन सूखी पथरीली पहाड़ियों पर भी जो पेड़ उठते हैं वो बिल्कुल मस्त रहते हैं किसी का नाम कुल और किसी का शील का नहीं पता मतलब कहाँ किस वंश का वो पेड़ है कहाँ से आया है कुछ नहीं पता होता मगर खड़े रहते हैं बिल्कुल मदमस्त होकर ये काल से ऐसे हैं मतलब कब से उग रहे हैं नहीं पता इन्हीं में से एक छोटा सा बहुत ही ठिंगना पेड़ है कुटच एक बहुत ही छोटा ठिंगना मतलब बहुत लंबा नहीं होता छोटा सा पेड़ होता है जिसे बोलते हैं कुटच अजीब सी अदा है मुस्कुराता सा जान पड़ता है अब वो छोटा सा है तो उसको देखता है जैसे लगता है कि बहुत सारे पेड़ों के बीच में वो मुस्कुरा रहा है लेखक को उसका नाम याद नहीं आता उसे लगता था कि नाम में क्या रखा है नाम की जरूरत हो तो सौ दिए जा सकते हैं पर मन नहीं मानता नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है अब उन्हें जो हमारे लेखक हैं उन्हें नाम याद नहीं रहते तो उसी तरह जब वो पेड़ उन्होंने देखा तो उसका भी नाम उनको याद नहीं रहा लेकिन तब भी उन्होंने सोचा नाम क्या नाम में क्या रखा है भाई गुड़ में छिपा होता है लेकिन नहीं नाम का अपना स्वरूप भाई इस समाज में नाम एक पद का नाम है मतलब हम यहां पर हैं क्यों क्योंकि ये हमारा नाम है हम हमें किस नाम से हमारा जो नाम है वही हमारी आइडेंटिफिकेशन है तो इस समाज में रहने के लिए नाम का बहुत जरूरी भाई कहने को तो पेड़ बहुत से हैं बहुत से पेड़ होते हैं लेकिन नाम है भाई आम का पेड़ है इमली का पेड़ है नीम का पेड़ है हर चीज का नाम जरूरी है नाम दिया गया है क्योंकि समाज में हर एक पद के ऊपर नाम देना पड़ता है कुटज को गाठे का साथ ही कहा गया है क्योंकि कुटज की कठिनाई ई के समय में काम आया है कालिदास जब रामगिरी पहुंचे तब उन्होंने इसी कुटज का आश्रय देकर मेघ को अभ्यार्थना की थी उस समय उन्हें कोई और फूल नहीं मिला तब कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था अब कुटज गाढ़े का साथी होता है गाढ़े का मतलब मुश्किल का साथी होता है मुश्किल समय में भी वो खिला रहता है तो कुटज पेड़ क्या है वो मुश्किल समय का साथी होता है जब पहाड़ी पहाड़ों में एकदम विषम परिस्थितियां होती हैं तो वो एक पेड़ छोटा सा हमें बहुत हिम्मत बंधाता है अब क्यों यहाँ पर कालीदास जब रामगिरी पहुंचे थे मेघनाथ जब मेघदूत लिखी थी उन्होंने मेघदूत में रामगिरी पर्वत जब पहुंचे थे तब उन्हें जो है उन्होंने, उन्होंने मेघों से आ, 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 क्या कहते हैं प्रार्थना करी थी मेघों से प्रार्थना करी थी आओ और बरसो भाई आ के आने के लिए बोला था क्योंकि मेघ आएंगे तो उसी के माध्यम से वो अपनी प्रेमिका को जो है पत्र भेजते तो उन्होंने मेघों को किस किसकी प्रार्थना करके बुलाया था कुटज की प्रार्थना कहकर ही बुलाया था कि भाई ये ठगना सा पौधा भी बारिश की आशंका की आशा रखता है आओ और बरसो भाई वो आएंगे बरसेंगे तो जब आएंगे तो उनका जो प्रेम पत्र है वो उनकी प्रेमिका के पास लेकर जाएंगे तो इसी और जब वो आए तो इसी कुटज ने जो ना उनका जो इतना बेचैन दिल था कालिदास का उसे बहुत ही जो है सांत्वना पहुंचाई थी कुटज का क्या अर्थ है कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हो आप कुटज शब्द को देखिए उन्होंने अलग अलग तोड़ा यानी जो कुट से पैदा कुट शब्द थे कुट घड़े को कहते हैं और घर को भी कहते हैं कुट का मतलब होता है घड़ा भी और घर भी कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण अगस्त मुनि को कुटज कहा जाता है कुटज यानी घड़े से उत्पन्न हुए घड़े से उत्पन्न हुए थे अगस्त मुनि इसलिए उन्हें कुटज भी कहा जाता है एक जरा गलत ढंग से दासी कुटनी कही जाती है मतलब जिसके रूप रंग चाल ढाल अच्छी ना हो ऐसी दासी को क्या बोला जाता है कुटनी संस्कृत में उसे कुनी कहा जाता है और संस्कृत में उन्हें क्या बोलते हैं कुनी कुटज का पौधा लहराता रहता है वह नाम और रूप दोनों से अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है विषम परिस्थितियों में लहराता रहता है और लहराते हुए अपने अपराजय स्थिति मतलब उस वो इतनी विकट परिस्थितियों में है यानी अपराजय है किसी कोई भी उसको जीत नहीं पाया और उस स्थिति में वो हमेशा लहराता और मुस्कुराता रहता है वह धधकती लू में भी हरा भरा बना रहता है वह कठोर पत्थर के बीच रुके अज्ञात जल स्रोत्र में से बर बस रस खींचकर सरस बना रहता है वह सूने गिरी कातर में भी मस्त बना रहता है मतलब हर परिस्थिति में सूख लू में हो तो वो रहेगा रेगिस्तान में हो तो हो, तालाब कहीं दूर हो तो भी वो अपना जल खींच लेता है हर परिस्थितियों में वो अपने आप को बनाए रखता है वह कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करता है मतलब पत्थर के ऊपर भी उग जाता है लेकिन उसकी जड़ें एकदम बहुत अंदर तक होती है मतलब पत्थरों तक को चीर के उसकी जड़ें अंदर होती है और वहां से वो अपने भोजन को खींच लेता है वह उल्लास में झूमता है यही उसकी जीवनी शक्ति होती है पत्थरों और चट्टानों के बीच उगते हुए अपने जीवन को किसी उद्देश्य के लिए न्योछावर करने वाला कुटज का पौधा दुनिया को संदेश देता है कि यदि जीना चाहते हो तो कठिनाओं से मत घबराओ और संघर्ष करते रहो विषम परिस्थितियों में जीना सीखो आत्मसम्मान के साथ जियो शान के साथ जियो जहां से भी संभव हो अपना भोग्य प्राप्त कियो करो तो ये पौधा जो इतनी मुश्किलों में जी रहा है सब कुछ कर रहा है ये मनुष्य को इस चीज की प्रेरणा देता है कि जितनी भी विकट परिस्थितियां हो तुम हमेशा मुस्कुराते रहो और जितना भी कठिन तब करना पड़े अर्थात तो वो पत्थर को चीर कर भी अपना भोजन प्राप्त कर रहा है तो तुमको भी अगर इतनी ही विकट परिस्थितियों में मेहनत करनी पड़े करो जितनी कठोर मेहनत करनी पड़े करो घबराओ नहीं हमेशा मुस्कुराते रहो और परिश्रम करते रहो और तब अपना भोग अगर तुमको प्राप्त करना पड़े उन कठिन परिस्थितियों में उन कठिन परिश्रम के बाद तो भी तुम मुस्कुराते हुए उस भोग को प्राप्त करो कुटज के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हर हाल में जियो और मस्ती के साथ जियो अपना आत्मसम्मान बनाए रखो परोपकार के लिए जियो मतलब वो हमें सीख देता है कि जितना जियो आत्मसम्मान के साथ जियो परोपकार के लिए जो भाई वो अपने लिए तो नहीं जी रहा है वो दूसरों के लिए भाई पौधे किसके लिए जीते दूसरों के लिए जीते तो यहां पर वो परोपकार के लिए दूसरों की भलाई के लिए जी रहा है तो हमें भी दूसरों की भलाई के लिए जीवन यापन करना चाहिए किसी की चापलूसी मत करो मन पर नियंत्रण रखो मतलब अपने कार्य को करने के लिए किसी की चापलूसी मत नहीं करो और अपने मन पे नियंत्रण नियंत्रण रखोगे तो चीजों को बहुत अच्छे से प्राप्त भी कर पाओगे हमें जीवन में किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी चाहिए कुटज स्वार्थ के दायरे से बिल्कुल बाहर है हमें भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए मतलब हमें हार नहीं माननी जितनी भी विकट परिस्थितियां हों और स्वार्थी भी नहीं बनना जैसे कुटज भी बिल्कुल स्वार्थी नहीं है लेखक ने एक स्थान पर प्रश्न किया है कि कुटज क्या केवल जी रहा है यह प्रश्न उठाकर लेखक ने मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी की है मानव जरा भी मुसीबत आने पर दूसरों के द्वार पर भीख मांगने चला जाता है कुटज का पौधा दूसरों का द्वार भीख मांगने नहीं जाता वह बड़ी शान से अपने स्थान पर खड़ा रहता है सामान्य मानव शक्तिशाली के सामने घुटने टेक देता है उसमें आत्मविश्वास की कमी है आज का मानव परमार्थ से दूर हटता चला जा रहा है तो लेखक ने एक स्थान में इस पाठ में हमसे प्रश्न किया है क्या कुटज सिर्फ जी रहा है तो यहां इस माध्यम से उन्होंने ये नहीं बोला कि वो जी रहा है यहां पर ये कटाक्ष है मानव जाति पर क्यों किया है भाई जब मुसीबत आती है तो हम दूसरे के द्वार पे भीख मांगने के लिए खड़े हो जाते मगर कुटज कभी नहीं जाता वो अपनी मुसीबत अपने जगह पर खड़े होकर स्वयं झेलता है वो चाहे ऐसा नहीं है कि मुश्किल में है तो न, अपने घुटने टेक दे नहीं तो मानव क्या है मानव हमेशा शक्तिशाली आदमी के सामने घुटने टेक देता है लेकिन कुटज ऐसा नहीं होता है उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होती मानव में आत्मविश्वास की कमी होती है इसलिए वो शक्तिशाली आदमी के सामने घुटने टेकता है आज का मानव परमार्थ से दूर हटता जा रहा है इसका मतलब क्या है हम दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देते हम सिर्फ अपनी तरफ ध्यान देते हम खुद क्या कर सकते हैं दूसरों के तरफ ध्यान दीजिए कि हम दूसरों की किस हद तक भलाई कर सकते हम ऐसे जितना पद पड़ पड़े हमें परमार्थ करना चाहिए परमार्थ मतलब दूसरों की भलाई हमें करनी चाहिए लेखक का कहना है कि स्वार्थ से बढ़कर जिजीविशा से भी प्रचंड शक्ति आवश्यक अवश्य है और वह शक्ति है आत्मा की मतलब हमारी जो भोग करने की जो इच्छा है वो हमारी आत्मा तक नहीं होनी चाहिए इस शक्ति पर हमेशा ये ध्यान रखिए होता ना हर चीज पानी की लालसा अभिलाषा इस पर कभी भी अपने आत्मा के ऊपर इसका कब्जा मत होने दीजिए आत्मा को सर्वोच्च रखी हुई आत्मा अगर सर्वोच्च है तो वो हमेशा आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी आत्मा परमात्मा का अंश है और वह सभी में व्याप्त है व्यक्ति की आत्मा केवल उसी तक सीमित नहीं है वह व्यापक है कहने का मतलब अगर मेरी आत्मा मेरे अंदर है तो ये सिर्फ मेरे अंदर नहीं क्योंकि अगर मेरी आत्मा जीवित है तो मेरे से क्या होगा वो हर बहुत मेरे आसपास रहने वाले सभी लोगों का भला करेगी इसीलिए उन्होंने बोला आत्मा सिर्फ मनुष्य के अंदर ही तक नहीं है वो व्यापक है क्यों क्योंकि हमारे कर्म व्यापक होंगे उसके जरिए तो हम सब जगह विद्यमान होंगे अच्छे कार्यों के साथ में यज्ञ यज्ञ वल्कल्य आत्मा का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे व्यक्ति को तब तक पूर्ण सुख का आनंद नहीं मिलता जब तक मनुष्य में अपने से सब और सब में आप इस प्रकार समहिष्ट बुद्धि नहीं आती अपने आप को दलित द्राष्ट द्राक्षा की भांति निचोड़ तब तक सर्व के लिए न्यछावर कर दिया जाता है तब तक स्वार्थ खंड सत्य व मोह को बढ़ावा देता है तो या, क्या है याग्ञ वलकल्य जो है उन्होंने आत्मा के बारे में क्या बोला भाई ये भी एक महाज्ञाता है इन्होंने इसका अर्थ बोला कि मनुष्य के अंदर जो आत्मा होती है जब तक हम उसे पूरा हमारे अंदर जितनी शक्ति है उसको निचोड़ कर जब तक हम परमार्थ के लिए नहीं लगा देते तब तक अंदर हमारे अहंकार भरा रहता अखंड तो सत्य को विद्यमान करने के लिए हमारे हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमार्थ की तरफ यानी कि दूसरों की भलाई की तरफ हमेशा अग्रसर है वह तो स्वार्थ भी नहीं समझ पाता परमार्थ तो दूर की बात है और जो व्यक्ति इसके मोहपाश में बंध जाता है यानी कि जो मोह में बंध जाता है जो सिर्फ अपने लिए सोचता है अपने लिए जीता है ऐसा व्यक्ति तो कुछ सोच ही नहीं सकता परमार्थ की बात तो दूर क्योंकि अपनी इच्छाएं तो हम सता उम्र पूरी करते रहेंगे कभी पूरी नहीं हो सकती एक पूरी करेंगे तुरंत दूसरी आ जाती है तो यहां पर यह होता है कि जब हम अपनी ही इच्छा पूरी अपने पर ध्यान ही दे पाएंगे तो हम परमार्थ की बात तो भूल ही जाइए ऐसा व्यक्ति कभी परमार्थ नहीं कर सकता कुटज पार्थ में बताया गया है कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। वास्तव में सुखी व्यक्ति वह है जिसका मन वश में है और दुखी वह जिसका मन परवश में है मतलब कुटज में यह चीज बताई गई है कि व्यक्ति वही सुखी है जो अपने मन पर काबू कर सकता है जो अपने मन पर काबू नहीं कर सकता वो कभी भी खुश नहीं रह सकता हाँ वो परवश में परवश में मतलब तो हमें कोई चीज पसंद है हमारा मन उसके वश में चला गया मान लीजिए हमको चाहिए एक बड़ी गाड़ी चाहिए तो मेरा मन उस गाड़ी में चला गया भाई गाड़ी मिल गई तो हमें क्या चाहिए एक बड़ा मकान चाहिए हमारा मन वहां चला गया भाई हमें एक लैपटॉप चाहिए हमारा वहां चला गया फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए भाई बहुत अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए वहां चला गया खूब अच्छी ज्वेलरी चाहिए वहां चला गया तो यहाँ हमारा मन क्या है हर जगह हर किसी चीज के वश में है तो यहां पर हमें क्या देखना है कि हमारा मन हमारे वश में होना चाहिए ठीक है मिल जाएगा इतनी क्या जल्दी है अभी बहुत टाइम पड़ा है तो अब हर चीज के लिए लड़ाई नहीं होना जब समय होगा तो हर चीज अपने लिए होती जाएगी। परवश होने का अर्थ है दूसरों की खुशामत करना दांत निपोना चाट, चाटुकारिता करना जी हजूरी करना इसलिए सुख और दुख की चिंता किए बिना हमें जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए तो मतलब हमें अपना कार्य जैसे अभी हमने बोला परवश में अर्थात हमें ये चीज चाहिए तो अब उस चीज को पाने के लिए अब हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम कर पाए तो किसी की खुशामद करेंगे किसी की चापलूसी करेंगे तब हम उससे पैसे लेंगे करेंगे तब हमें वो चीज खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर ये सब चीजें करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उन्होंने यही चीज बोली है क्या इसीलिए सुख दुख की चिंता किए बगैर हमें जीना चाहिए हमें जो मिल रहा है हमें खुश रहना चाहिए बहुत अधिक पानी की लालसा में क्या होगा हम खुद को भी दुखी करेंगे और अपने आसपास भी हम जो है वो अच्छी चीजें नहीं छोड़ेंगे अपने लिए अपने पीछे अच्छी चीजें नहीं छोड़ेंगे चलिए पहला जो प्रश्न है क्या है कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है क्या कारण है उसे गाढ़े का साथी कहने के लिए क्यों क्योंकि वो मुश्किल परिस्थितियों में भी खड़ा रहता है और गाढ़े मतलब कठिनाइयों का समय तो वो मुश्किल परिस्थितियों में हमेशा खड़ा रहता है पथरीली चट्टानों पर खड़ा रहता है तो यानी कि परिस्थितियां विकट है साथ ही कहा जाता है कुटज ऐसा साथी है जो कठिन दिनों में साथ रहा है कालिदास ने अपनी रचना में जब रामगिरी पर्वत पर यक्ष को बादल से अनुरोध करने भेजा था तो वहां कुटज का पेड़ ही विद्यमान था उस समय में कुटज के फूल ही उसके काम आए थे ऐसे स्थान पर जहां दूब तक पनप नहीं पाती यक्ष ने कुटज के फूल चढ़ाकर ही मेघ को प्रसन्न किया था अतः उसे गाढ़े का साथ ही कहा जाता है तो मतलब जब मुश्किल परिस्थितियां होती हैं तो वो ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में हमेशा रहता है तो जहां घास दूब का मतलब घास तक नहीं उठती कहते पूजा में दूब लगती है दूब एक तरह की घास होती है तीन मुखी होती है वो चढ़ाई जाती है ईश्वर पे तो अब यहां पर जब यक्ष याचना कर रहे थे मेघों को आने के लिए तो उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ था ही नहीं भाई धूप कैसे चढ़ाते तो कुछ वहां पे घास ही नहीं थे तो किस उठाकर चढ़ाते वो तो इसलिए उन्होंने क्या किया जो कुटज के फूल थे वो चढ़ाकर उनको प्रसन्न किया था अब प्रश्न दो नाम क्यों बड़ा है लेखक के विचार से अपने शब्दों में लिखिए लेखक ने क्यों बोला नाम बड़ा है भाई नाम हमें समाज में एक पद देता है एक ओहदा देता है हर एक चीज का अपना एक नाम है अगर भाई हम सभी मानव हैं बहुत सारी स्त्रियां हैं पुरुष हैं बच्चे हैं लड़के हैं लड़कियां हैं तो जब नाम नहीं होगा तो कैसे पुकारेंगे तो पाठ के आधार पर हमें इन्हीं शब्दों में अपने शब्दों में हमको लिखना है नाम का जीवन में बहुत महत्व है नाम है तो मनुष्य की पहचान है यदि हमें किसी के रूप आकार आदि का वर्णन किया जाएगा तो नाम नहीं होने के कारण उसे भली प्रकार पहचान नहीं पाएंगे अगर भाई हमारे सामने व्यक्ति आ गया नाम नहीं है तो हम कैसे रूप रंग के हिसाब से तो तो किसी व्यक्ति को नहीं जान सकते तो हम नाम के हिसाब से व्यक्ति को बताते हैं पहचानते हैं मनुष्य को उसके चेहरे मोहरे से पहचान भी लिया जाए लेकिन जब तक नाम याद ना आए मनुष्य की पहचान अधूरी लगती भाई हमने किसी व्यक्ति को देखा है उसका चेहरा अगर हम याद भी आ जाए तो हम उसका नाम नहीं याद आएगा तो हमें लगेगा अगर उसकी तो आइडेंटिफिकेशन किस नाम था भाई उसका नाम क्या था वो ऐसा दिखता था ऐसा दिखता अब नाम नहीं हुआ तो क्या मतलब वो तो व्यक्ति अधूरा ही हुआ उसको तुम तो पहचान ही नहीं पाए पूरी तरीके से समाज में लोग हमें इसी नाम से जानते हैं यह समाज द्वारा स्वीकृत नाम है अतः मनुष्य कितना सुंदर ही क्यों ना हो यदि उसका नाम नहीं है तो उससे पहचानने में बहुत कठिनाई होगी मतलब जितना भी सुंदर हो उससे कोई मतलब नहीं जब तक नाम नहीं है हम उसे पहचान ही नहीं सकते नाम मनुष्य की पहचान बन गया है गौर करे तो हर प्राणी तथा वस्तु के लिए एक नाम दिया गया है यह नाम इसलिए दिया गया है कि उसे पहचानना सरल हो उसका रूप रंग आकार गुण दोष जाति धर्म इत्यादि के आधार पर नाम दिया जाता है इसी से पता चलता है कि नाम बहुत बड़ा है कहने का तात्पर्य यहां है कि हमने एक हर वस्तु अब जिसको पेन दिया है पेंसिल दिया है कोई भी चीज हो कुर्सी हो मेज हो हर चीज को एक नाम दिया गया है क्यों क्योंकि हम उस वस्तु को पहचानने में हमें दिक्कत ना इसलिए नाम की उपयोगिता बहुत जरूरी होती है प्रश्न तीन कुट कुटज और कुटनी शब्दों का विश्लेषण कर उसमें आपसी संबंध स्थापित करिए अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुट शब्द से बताया था कुट से घर भी होता है घड़ा भी होता है कुटज या जब घड़े से, अगस्त मुनि घड़े से पैदा हुए तो उनका नाम कुटज रखा गया दुष्ट दासी को कुटनी कहा जाता है तो यही सब चीजें जो हमने पाठ में पढ़ी थी इसी को यहाँ पर विश्लेषित करना है हमको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज पाठ के इस विषय पर प्रकाश डाला है उनके अनुसार कुट शब्द के दो अर्थ होते हैं घर या घड़ा इसी आधार पर कुटज शब्द का अर्थ उन्होंने बताया घड़े से उत्पन्न होने वाला यह नाम अगस्त मुनि का ही दूसरा नाम है अगस्मुनी का दूसरा नाम क्या है कुटज कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति घड़े से हुई थी अब दोबारा कुट शब्द की ओर बढ़ते हैं यदि इस विषय में गौर किया जाए तो कुट शब्द का अर्थ घर है तो घर में कार्य करने वाली बुरी दासी को कुटनी नाम दिया गया है बुरी दासी मतलब जिसकी नियत ठीक ना हो जो कार्य ठीक से ना किया जाए तो ऐसी दासी को क्या बोलते हैं कुटनी अतः कहीं ना कहीं यह शब्द आपस में जुड़े हुए हैं और इनके आपस में संबंध है भाई कुट तो इसमें मूल शब्द है ना मूल शब्द क्या है कुट उसी से कुटज है कुटनी है बना हुआ है इसलिए ये सभी आपस में संबंधित हैं प्रश्न चार कुटज किस प्रकार अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है अब कुटज जहां पे घास तक नहीं उगती ऐसी परिस्थितियों में वो उगता है पत्थर के ऊपर उगता है उसको चीर के काफी लंबे तक उसकी जड़ें जाती हैं और वो अपने लिए भोजन प्राप्त करता है विषम परिस्थितियां है पथरीली स्थल है लेकिन तब भी वो उगा है उसमें फूल उग रहा है अर्थात तो वो मुस्कुरा रहा है कुटज एक पेड़ का नाम है उसमें फूल उगा हुआ है यानी कि वो पौधा मुस्कुरा रहा है क्या कुटज ऐसे वातावरण में जीवित खड़ा है जहां पर घास भी, भी नहीं पनप पाती वहां पर कुटज का खड़ा रहना और उसके साथ फलना फूलना उसकी जीवन शक्ति की घोषणा करता है मतलब उन विषम स्थितियों में भी उसका खड़ा रहना और जीवन जीवित रहना उसके अपराजय जीवन शक्ति यानी कि उसके ऊपर अपराजय मतलब वो अभी तक के, के, के उसके ऊपर कोई भी जीत नहीं पाया है और उसकी जीवन शक्ति बहुत ही मजबूत है जीने की इच्छा जिसे बोलते हैं वो बहुत मजबूत है वह पहाड़ों की चट्टानों के मध्य स्वयं को खड़ा रखता है तथा उसमें व्याप्त जल स्रोतों से स्वयं के लिए जल ढूंढ निकालता है भाई पत्थरों के अंदर भी पानी सोखता है हम सभी जानते हैं तो उसकी जो जड़ें हैं वो पत्थरों को चीरते हुए वहां तक पहुंच जाती हैं जहां पत्थरों में पानी एकत्र रहता है और वहां से अपने लिए जल खोज लेता है वो ऐसे एकाकी स्थानों में भी वह विजयी खड़ा हुआ है यह इतनी विकट परिस्थितियां हैं जिसमें साधारण पौधे तथा पेड़ जीवित रहना संभव नहीं अगर नॉर्मल पेड़ पौधे होंगे तो वो वहां पर जीवित नहीं रह सकते उसकी यह जीवन शक्ति जीवनी शक्ति जो उसे अपराजय बना देती है अर्थात जीवन के प्रति उसकी ललक उसे कभी ना हारने वाला बना देती है वह खराब मौसम की मार पानी की कमी में भी अपने लिए राह बनाता है और हमें जीने की प्रेरणा देता है मतलब चाहे जितना खराब मौसम हो सतह जितनी कठोर हो मगर वो हमेशा जीवित रहता है और अपने आप को फलता फूलता फुलाता रहता है तो उसी तरह मनुष्य को भी विषम परिस्थितियों में हमेशा जो है मुस्कुराते हुए अपने लिए कर, कार्य करने चाहिए प्रश्न पांच कुटज हम सभी को क्या उद्देश्य देता है टिप्पणी कीजिए जैसे कि पूरे पाठ में हमको उद्देश्य दिया है कुटज विषम परिस्थितियों में जी रहा है तो हमें भी ये देता है कि हमारे जीवन में जितनी भी विकट परिस्थितियां आए हमेशा हमें सुख मतलब खुश रहकर उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए दुख और सुख दोनों परिस्थितियों को समान भाव से जो है झेलना चाहिए चाहे सुख हो अगर हम सुख सुख के समय में अच्छे रहते हैं तो दुख में भी हम उतने ही उत्साहित होकर उनका सामना करें चाहे जितनी मुश्किल परिस्थितियां हों उनका सामना मुस्कुराते हुए करें तो यहां क्या दिया है हम है कुटज को उद्देश्य देता कि विकट परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमें धीरज रखना चाहिए और विकट परिस्थितियों में अपने परिश्रम और शक्ति से काम लेना चाहिए यदि हम निरंतर प्रयास करते रहे तो हम इन विकट परिस्थितियों को अपने आगे झुकने के लिए विवश कर देते हैं विकट परिस्थितियों से गुजरने वाला व्यक्ति सोने के समान चमक कर निकलता है जो विकट परिस्थितियों को झेल लेता है फिर उसे कोई नहीं गिरा सकता मतलब वो जो हम कहते हैं ना जितना रगड़ता है सोना उतना निखरता है उसी तरह मनुष्य के जीवन में जितनी कठिनाइयां आती हैं वो उतना ही निखर के सामने आता है तो इसलिए जो है अगर आपके पास मुश्किल परिस्थितियां तो समझिए कि आपको चमका रहे हैं ईश्वर और आप चमक कर जब निकलेंगे तो वो खरा सोना होगा इसलिए विकट परिस्थितियों को हमें बहुत मुस्कुराते हुए झेलना चाहिए प्रश्न छ कुट के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है अब हमें उसके जीवन उसको जीवन देखेंगे उसकी जीवन शैली तो हमें बहुत सारी सीख मिलती है पाठ में जैसे हमको लेखन के बताया भी है क्या क्या है कुटज के जीवन से हमें निम्नलिखित निम्नलिखित शिक्षाएं मिलती हैं हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए विकट परिस्थितियों का सामना धीरज के साथ करना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए स्वयं पर विश्वास रखो किसी के आगे सहायता के लिए मत झुको सिर उठा कर जियो मुसीबत से घबराओ मत जो मिले उसे सहर्ष स्वीकार करो मतलब हमें जो कुछ मिल रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करिए कभी भी किसी के आगे सिर नहीं झुकाइए आत्मसम्मान के साथ जिये मुश्किल परिस्थितियां आए खुश रहिए ये सभी जो सीख है हमें कुटज पौधे से प्राप्त होती है प्रश्न सात कुटज क्या केवल जी रहा है लेखक से यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी की है मनुष्य परिस्थितियां जहां विकट आती हैं वो तुरंत झुक जाता है मतलब कि हम दूसरों के सामने द्वार पे हाथ भीख मांगने पहुंच जाते हैं हमें ये दे दो मगर कुटज जैसा नहीं है वो मुश्किल परिस्थितियां संघर्ष करता रहता है और अपने लिए भोजन प्राप्त करता है तो ये जो प्रश्न उठाया है कुटज क्या केवल जी रहा है लेखक ने यह प्रश्न जो कमजोर लोग होते हैं जो अपनी परिस्थितियों से हार जाते हैं उनको व्यंग करते हुए उठाया है क्या है लेखक यह प्रश्न उठाकर मानवीय कमजोरियों पर प्रहार करता है लेखक के अनुसार कुटज का वृक्ष जीता ही नहीं बल्कि यह सिद्ध कर देता है कि मनुष्य में यदि जीने की ललक है तो वह किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से सरलतापूर्वक निकल सकता है मतलब उसके अंदर अगर जीने की ललक है तो चाहे जितनी मुश्किल परिस्थिति होंगी वो वहां से निकल कर आ ही जाएगा। इस प्रकार जीने में वह अपने आत्मसम्मान तथा गौरव दोनों की रक्षा करता है किसी से सहायता नहीं लेता बल्कि साहस पूर्वक जीता है लेखक केवल जीने से यह प्रश्न उठाता है कि कुटज का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वह जीने के लिए जी रहा है इसके लिए उसमें जितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है वो उसका संघर्ष कर रहा है जितनी मुश्किल परिस्थितियों से उसे मिल रहा है वो मेहनत कड़ी मेहनत भी कर रहा है और वो अपने आप को जी रहा है ये नहीं कि जीवन मिला है बस जीना है जैसे कर लो वैसे नहीं वो अपनी परिस्थितियां चाहे जितनी विकेट हो बस संघर्ष करके उनको जीरा वो दृढ़ संकल्पी है जीने के लिए यह प्रश्न उन मानवों को लक्ष्य करके बनाया गया है जो जीवन को थोड़ी सी कठिनाइयों के आगे घुटने टेक देते हैं उनके पास जीने की वजह होती ही नहीं है बस जीने के लिए जीते हैं ऐसे लोगों में साहस जीने की ललक की कमी ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि मन के हारे हार मन के जीते जीत मतलब जो जरा सी मुश्किलें पड़ी नहीं कि वो हाय 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 करने लगते हैं तो यहां पर कहने का मतलब है अगर परिस्थितियां विकट हैं तो उनको आप अपने दृढ़ संकल्प से सही कर सकते हैं अर्थात अगर आप अपने मन से हार गए तो समझ लीजिए आप हर चीज मर गए बस अगर आप अपने मन में ये रखिए नहीं हम कर सकते हैं हम कर लेंगे हम कर सकते हैं तो क्या होगा इन परिस्थितियों से आप आगे निकलकर अवश्य कार्य कर लेंगे प्रश्न आठ लेखक क्यों मानता है कि स्वार्थ से भी बढ़कर जिजीविशा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है उदाहरण सहित उत्तर दीजिए तो अर्थात जो स्वार्थ होता है स्वार्थ होता है ना स्वार्थ से भी उठकर जीने के लिए अपनी एक ललक होती है आपको ये पाठ के आधार पर स्पष्ट करते हुए उत्तर देना है तो क्या दिया है स्वार्थ हमें गलत मार्गों पर ले जाता है मतलब हमें अगर कोई चीज पाने की इच्छा है तब उसको पाने की इच्छा हमारे अंदर इतनी हद तक होती है अगर हमें गलत कार्य करने पड़े तो हम उस तरफ भी चले जाते हैं तो वही दिया है स्वार्थ हमें गलत मार्गों पर भी ले जाता है इस स्वार्थ के कारण ही मनुष्य ने गगन चुंबी इमारतें खड़ी की हैं, सागर में बड़े बड़े पुल बनाए हैं सागर में चलने वाले जहाज बनाए हैं हवा में उड़ने वाला विमान बनाया है हमारे स्वार्थों की कोई सीमा नहीं जिजीविशा के कारण ही हम जीने के लिए प्रेरित होते हैं अर्थात हमारे अंदर अगर लालसा है तो ही हम जीते और ये सारी चीजों का निर्माण हमने स्वार्थवश किया है कहने का मत ये कि हम उस जगह जाना चाहते थे वहां बहुत अच्छा भोजन मिलता है तो हमने समुद्र पार करने के लिए जहाज बना दिया कि वहां से हम अच्छा भोजन यहां पर लेकर आ सके तो ये सब चीजें हमने स्वार्थवश ही आविष्कार की है लेकिन स्वार्थ और जिजीविशा ही नहीं जो हमें गलत मार्ग में ले जाती जिजीविशा मतलब जीने के लिए जो अच्छी अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए होती तो ये दोनों ही ऐसी चीजें नहीं है जो हमें गलत मार्ग पे ले जाती हैं इन दोनों के कारण हम स्वयं को महत्व देते हैं मतलब हमारा स्वार्थ है? नहीं हमें ये चीज हम अगर हमारे अंदर स्वार्थ है तो क्या होगा हम पहले अपने लिए करने के लिए सोचेंगे तो क्या होगा हमने अपने आप को पहले महत्व दिया हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं लेखक इन दोनों से अलग शक्ति को स्वीकार करता है उसके अनुसार सर्व वह शक्ति है जो सबसे बड़ी है जब मनुष्य इन सर्व शक्ति को स्वीकार करता है तो वह मानव जाति ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी में विद्वान सभी जातियों की कल्पना करता है अर्थात जब मनुष्य स्वार्थ से ऊपर उठता है और मानता है सब में स्वार्थ मतलब मैं और जब हम उससे ऊपर उठ जाते हैं तो हम सबको अपना मान लेते हैं यानी उसमें पूरी मानव जाति इस पूरी पृथ्वी पर व्याप्त सभी लोगों पे आ जाता है तो जब हमारे हमारे कार्य में वो सभी शामिल हो जाते हैं तो क्या होता है तब हम जीना सीखते हैं तब एक्चुअल में हम जीना मतलब तब हम कल्याण करना दूसरों की भलाई करने के बारे में सोचने लगते हैं कल्याण की भावना उसे महान बनाती जब हम दूसरों का भलाई करते हैं तब हमको महान हम महान बन जाते हैं पर यह ऐसी प्रच, प्रचंडता लिए हुए है जो मनुष्य को मजबूत मजबूत और निस्वार्थ बना देती है मतलब ये जो कल्याण की भावना होती है तो इसमें जो सुख होता है इससे मनुष्य बहुत मजबूत बनता है और निस्वार्थ तो बनता ही बनता है उसमें अहंकार लोभ लालच स्वार्थ क्रोध इत्यादि भावनाओं का नाश हो जाता है तो जितनी भी ये दुर्भावनाएं हैं कल्याण करने के बाद जो भावना उत्पन्न होती है उसमें ये सभी दुष् जो जितनी भी दुर्भावनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती हैं। जो उभर कर आता है वह है महान कहलाता है जो व्यक्ति उस समय जब उभर के आता है तो वो महान कहलाता है। मतलब स्वार्थ तो जिजीविशा आप अगर त्याग दें तो आप महान बन जाएंगे क्योंकि आप कल्याण करेंगे इतिहास में इसके अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं बुद्ध गुरु नानक अशोक महात्मा गांधी इत्यादि मतलब जो दूसरों के लिए परोपकार के लिए जीवन में जिए ऐसे बहुत से महात्मा हमारी पृथ्वी पर अभी तक पैदा हो चुके हैं अब आता है हमारा प्रश्न नौ कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं मतलब हम दुख और सुख हमारे सिर्फ हमारे मन झेले मन की बात है मतलब हम ये फीलिंग्स हैं अब आप इनको ये नहीं समझी परिस्थितियां नहीं है ये सुख है ये सिर्फ मन में व्याप्त करते हैं और एक्चुअल में कहीं नहीं होते सुख और दुख सच में मन के विकल्प हैं लेखक के अनुसार जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है वह सुखी कहलाता है यानी कि अगर हमने अपनी इच्छाएं काबू में कर ली तो हम सुखी हैं कारण कोई उसे उसकी इच्छा के बिना कष्ट नहीं दे सकता अर्थात हमें अगर हमने अपनी इच्छा अपने वश में करी है तो हम नहीं चाहेंगे तब तक कोई व्यक्ति हमें कष्ट नहीं दे सकता क्योंकि हमारी इच्छा हमारा लोभ कहीं किसी चीज में व्याप्त नहीं है हमारा मन हमारे वश में है तो हमें कोई कष्ट ही नहीं दे सकता है वह अपने मन अनुसार चलता है और जीवन जीता है दुखी वह है जो दूसरों के कहने पर चलता है या जिसका मन स्वयं के वश में ना होकर अन्य के वश में होता है दुख वो व्यक्ति है जिसका मन किसी और के वश में अर्थात वो किसी और के कहने पर चल रहा है वह उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करता है उसे सुख करने खुश करने के लिए सारे कार्य करता है अब जब मेरा मन दूसरे में है तो मैं उसको खुश करने में हमेशा लगी रहूंगी तो वही चीजें और अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो मुझे दुख प्राप्त हुआ क्योंकि मेरा मन तो किसी और के वश में होता है वह दूसरों के समान बनना चाहता है अतः दूसरे के हाथ की कठपुतली बन जाता है अतः दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं जिसने मन को जीत लिया वह उस पर शासन करता है नहीं तो दूसरे उस पर शासन करते हैं अगर हमने अपने मन को जीत लिया मन हमारे सिर्फ हमारे वश में है हमारा मन मेरे पूछे बगैर किसी चीज पे नहीं जा सकता तो हम खुश हैं और अगर मेरे मन पर कोई और राज करता है मतलब हम किसी और दूसरे के कहने पर चलते हैं तो वो हमें दुख पहचान पहुंचाने के पूरे अधिकार रखता है और इसलिए हम दुखी होते हैं तो इसीलिए मन जो है वो दुख और सुख दोनों का विकल्प है हम चाहे अपने वश में कर ले दे दें। अगर अपने मन में वश में रखा तो हम सुखी है दूसरों को दे दिया तो हम दुखी हैं अब आता है हमारे पास प्रश्न दस हमारे सामने कुछ पंक्तियां दी गई हैं इन जो जो गद्यांश दिए हैं इनको सप्रसंग व्याख्यात करना है क्या दिया है पहला जो हमारे पास गद्यांश दिया है कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहद उनकी जड़ें काफी गहरी पैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर ना जाने किस अतर गधर ग्रह गहर से अपना भोग्य खींच निकालता है तो जो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कुटच के लिए बोला जा रहा है कुटच जो है वो जो है पथरीली पर है और उसकी जड़ें बहुत गहरी जाके वो अपना भोज निकालता है तो यहाँ पर लोग जो है ऊपर से देखने में बेह लगते हैं लेकिन वो अंदर बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं तो क्या है इसका प्रसंग सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से लिया गया है इसमें लेखक कुटज की विशेषताएं बताते हैं दूसरी ओर वह ऐसे लोगों की ओर संकेत करता है जो स्वभाव से बेशर्म होते हैं लेकिन वे बेशर्मी उनकी विकट परिस्थितियों से लड़ने का परिणाम है देखने में बेशर्म होते हैं लेकिन परिस्थितियों से लड़ने में वो बहुत मजबूत होते हैं व्याख्या क्या है लेखन पंक्तियों के माध्यम से कुटस तथा ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो बेहया दिखाई देते हैं लेखक कहता है कि कुटज ऐसे वातावरण में सिर उठाकर खड़ा है जहां अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं वहां पहाड़ों की चट्टानों पर पनपने के साथ साथ उनमें विद्यमान जल स्रोतों के लिए पानी की व्यवस्था भी कर लेता है मतलब बहुत ही वहां पर जहां आप नहीं पनप सकते वहां पर पानी स्रोतों तक वो पहुंच जाता है लोग फिर इसके प्रकार इस प्रकार से के खड़े रहने के स्वभाव को बेहया का उदाहरण थी उदाहरण ही क्यों ना मान ले यह स्वभाव उसकी विकट परिस्थितियों से लड़ने का परिणाम है वह उसके स्वभाव में दिखता है मतलब कुटज जो है देखने से ऊपर बड़ा जो है लगता है कि अरे कैसा बेहाया है यहाँ पे खड़ा है लेकिन वो बेहाया नहीं है वो विकट परिस्थितियों में अपने आप को संभाल के रखा है तो जो लोग देखने में बेशर्म होते हैं वो परिस्थितियों में लड़ने में बहुत मजबूत होते हैं ऐसे ही ऐसे ही कुछ लोग हैं जीवन में विकट परिस्थितियों से गुजरते हैं और डट कर खड़े रहते हैं उनके इस स्वभाव को लोग बेहया होने का प्रमाण मानते हैं उनका यही स्वभाव उनकी रक्षा करता है उन्हें मजबूती से खड़े रहने में सहायता करता है ऐसे लोग अपना रास्ता स्वयं खोजते हैं मतलब हम किसी के आश्रय पे नहीं रहते ये लोग क्या होते हैं जो बेशर्म होते हैं वो अपना रास्ता खुद निकाल लेते किसी के इंतजार में नहीं बैठते हैं अगली पंक्ति है रूप व्यक्ति सत्य है नाम समाज सत्य है नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है समाज द्वारा स्वीकृत इतिहास द्वारा प्रमाणित समाहिष्ट मानव की चिंतित गंगा का स्नात है कहने का मतलब यहां पर नाम के बारे में बताया गया है हम रूप सौंदर्य चाहे जितना हो अगर हमारा नाम नहीं है तो समाज में हमें कोई पहचान नहीं सकता तो इसका प्रसंग क्या होगा प्रस्तुत पंक्तियां पंक्तियों में नाम की विशेषता बताते हैं कि नाम क्यों इतना आवश्यक है लेखक इन पंक्तियों में नाम की विशेषता बताता है लेखक कहता है कि यह सत्य है कि मनुष्य अपने रूप से पहचाना जाता है रूप गुण से पहचाना जाता है जैसा उसका रूप होता है वैसी ही इसकी पहचान होती है यह व्यक्ति द्वारा दिया गया और यह एक सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता कहने का मतलब है ये एक सच है रूप जिसे ये प्रकृति ने हमको दिया है इसे कोई झुटला नहीं सकता ऐसे ही नाम है नाम समाज में हमारी पहचान होती है रूप अगर हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है तो नाम हमें समाज द्वारा दिया जाता है इससे ही हमें जाना जाता है समाज द्वारा इसे स्वीकृति मिली होती है आधुनिक भाषा में इसे सोशल सेक्शन कहते हैं मतलब हम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे अब कनेक्ट करने के लिए हमारा नाम होना जरूरी है तो वो सोशल सेक्शन में आ जाता है इसका अर्थ है कि आपका नाम समाज द्वारा स्वीकार किया गया है लेखक कहता है मेरा मन नाम का अर्थ ढूंढने के लिए परेशान हो रहा है अर्थात इसे समाज द्वारा कब स्वीकारा गया इसे इतिहास के माध्यम से कैसे सही साबित किया होगा कि यह लोगों के हृदय में जगह पा सके मतलब इस नाम को रखने के लिए लोगों के मन में कब बात आई होगी कभी यह सोचने के लिए बहुत विचलित हो रहा है क्योंकि नाम समाज में हमें एक जगह देता है इसलिए अब अगली जो हमारी पंक्ति है क्या है रूप की तो बात ही क्या बलिहारी इस मादक शोभा की चारों ओर कुपित यम राज की दारुण निश्वास के समान धतक्ती लू में यह हरा भी है और भरा भी है दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा से रुद्र अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींच कर सरस बना हुआ है तो कुटज कितनी बल विकट परिस्थितियों में भी वो खड़ा रहता है ये इसके अंदर बताया गया है प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से लिया गया है लेखक इन पंक्तियों में कुटज की विशेषता को बता रहे हैं क्या है लेखक प्रस्तुत पंक्तियों में कुटज की शोभा की बात करते हैं वह कहते हैं कुटज देखने में बहुत सुंदर होता है इसकी शोभा इतनी प्यारी होती है कि उसकी बालाएं बलाएं लेने का मन करता मतलब नजर उतारने का मन करता है यदि वातावरण पर दृष्टि डालें तो चारों ओर भयंकर गर्मी पड़ रही है ऐसा लगता है मानो यमराज सांस ले रहा है मतलब लू चल रही है धधकती धूप है और तब भी वो हरा सा कोमल सा खड़ा हुआ है बहुत प्यारा सा अर्थात परिस्थितियां ऐसी जैसे लग रहा है यमराज आ गए हैं इतनी प्रचंड गर्मी होने पर भी झुल साया नहीं है इसमें हरियाली छाई हुई है इसके साथ साथ यह फल भी रहा है यह ऐसे पत्थरों के बीच में से भी अपनी जड़ों के लिए रास्ता बनाता है उसमें विद्यमान ऐसे जल स्रोतों को खोज लाता है जिसके बारे में किसी ने नहीं पता लेखक ने पत्थरों की तुलना दुर्जन व्यक्तियों से की है अतः वह कहता है कि कुटज अपने जीवन के लिए विकट परिस्थितियों से लड़ता है और सिर उठाकर खड़ा रहता है अर्थात चारों तरफ मतलब यहां पर कुटज को एक मानव की तरह प्रस्तुत किया गया है कि मनुष्य अगर दृढ़ संकल्प होकर खड़ा रहेगा तो आसपास की जितनी भी विकट परिस्थितियां होंगी वो अपने आप को मुस्कुराता रखेगा तो आसपास का वातावरण इतना मुश्किल है लेकिन कुटज तब भी खड़ा है मुस्कुरा रहा है ले लहा रहा है अब अगली जो हमारी पंक्ति क्या है घा क्या दिया है हृदय ना पराजित किता कितना विशाल व हृदय होगा जो सुख से दुख से प्रिय से अप्रिय से विचलित ना होता होगा कुटज को देख कर रोमांच हो जाता है कहाँ से मिलती है अकु अकुतोलामय वृत्ति अपराजित स्वभाव और अविचल जीवन दृष्टि यहाँ पर कुटज की परिस्थितियों को देखकर वो बोलती हैं कि इतना विकट परिस्थितियों में भी वो खिला रहता है आखिर इतनी हिम्मत कहां से लाता है तो अब इसका पहले प्रसंग देखते हैं तो क्या है प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से लिया गया है लेखक इन पंक्तियों में कुटज की विशेषता बताते हैं व्याख्या क्या है कुटज कैसी कैसी विशेषता है कितनी मुश्किल परिस्थितियों में भी वो खड़ा हुआ है वो विशेषताएं बता रहे हैं अब व्याख्या क्या है प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कुटज की विशेषता बताता है यह है कैसा हृदय जो कभी पराजय नहीं होता वह सुख दुख प्रिय अप्रिय भावों की स्थिति में भी समान भाव रखता है मतलब ये कैसा है इसके पास सुख आए दुख आए हर प्रति कोई अच्छा हो तो भी कोई बुरा हो तो भी ये कितने भी माहौल में भी वो अपने आप को प्रसन्न रखता है अर्थात उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मतलब कोई भी आए वो समान भाव से है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उनका हृदय यदि इस गुण से व्याप्त है तो वह बहुत विशाल है कहने का मतलब मनुष्य के अंदर अगर ये ऐसा गुण आ जाए तो वह बहुत विशाल बन सकता है वह दृढ़ होकर खड़ा रहता है ऐसे उसे कुटज को देख कर लगता है मतलब कुटज को देखकर यही लगता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा रहे तो वाकई वो महान होगा उसे देखते ही वह रोमांच भर जाता है किसको कुटच को देखकर मन में रोमांच भर जाता है वह विकट परिस्थितियों में भी सुर उठा उठाकर खड़ा है उसकी स्थिति देखकर पता चलता है कि वह प्रसन्न है यह उसके हरे भरे रूप को देखकर ज्ञात होता है लेखक को उसके निडर कभी ना हारने वाले स्वभाव तथा अविचल स्वभाव से झलकाता है विशाल जीवन दृष्टि लिए हुए है जो उसे कभी हारने नहीं देता मतलब वो विकट परिस्थितियों में खड़ा है मुस्कुरा रहा है अब मुस्कुराने का तात्पर्य ये नहीं कि मतलब वो सच में स्माइल कर मतलब वो हरा भरा है पूरी तरीके से उसके ऊपर फूल खिल रहे हैं अर्थात वो बहुत प्रसन्न है भाई पेड़ की प्रसन्नता कैसे प्रकट होती है हरा भरा रहे प्रसन्न रहे तो उसी तरीके से वो हमेशा प्रसन्न रहता है और ये सब ही उसको देखकर पता चलता है और एकदम अविचल है मतलब बिल्कुल विचलित नहीं होता है कोई इतनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना में एक छोटा सा बहुत ही ठिंगना पेड़ है पत्ते चौड़े भी हैं और बड़े भी हैं फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं अजीब सी अदा है मुस्कुराता जान पड़ता है लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते पहचानता तो हूं अवश्य पहचानता हूँ लगता है बहुत बार देख चुका हूँ पहचानता हूँ उजाड़ के साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ नाम भूल रहा हूँ प्राय भूल जाता हूं रूप देखकर कर प्राय पहचान जाता हूँ नाम नहीं याद आता पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर ना हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है तो जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वो पेड़ देखा तो उन्हें नाम नहीं आदा रहा था उस पेड़ का छोटा सा ठिंगना सा फूलों से लदा ये पेड़ उन्होंने देख लिया वो बोल रहे हैं मैंने देखा है तुम्हारा नाम भी जानता हूँ लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा है ये बात इस पैराग्राफ में बताई गई है तो अब यहाँ पर क्या है इस पर आधारित प्रश्न है लेखक अनगिनत वृक्षों को कहाँ देखता है गिरिवन में शिवालिक पर्वत पर सबसे बड़े पार्क में या नीलगिरी पर्वत पे तो उन्होंने कहाँ पर देखा हुआ है ये देखा है शिवालिक पर्वतमाला पे लेखक को विदाई लेखक को दिखाई देने वाले छोटे से पेड़ की विशेषता क्या है वो क्या विशेषता है उस पेड़ में जो बिल्कुल उन्हें अलग सा लग रहा है फूल विहीन है चौड़े व बड़े पत्ते हैं पतला व कमजोर तना है कठोर और निर्जीव है तो उसकी क्या विशेषता उन्होंने बताई है कि चौड़े और बड़े पत्ते हैं चौड़े हैं और बड़े बड़े उसके पत्ते हैं गद्यांश में लेखक से वृक्ष क्या पूछ रहा है लेखक की पहचान समाज की पहचान अपनी पहचान या ये सभी तो पेड़ पूछ रहा है क्या अपनी पहचान कि मैं कौन हूं तुम्हें याद नहीं पड़ता क्या तुम मुझे पहचानते नहीं तो वो क्या पूछ रहा है अपनी पहचान को पूछ रहा है लेखक ने वृक्ष को क्या कहकर संबोधित किया है क्या बोला है उन्होंने सुकोमल शरीर वाला फूलों का राजा उजाड़ का साथी या कठिनाई का साथी तो उन्होंने क्या बोला है उसे उजाड़ का साथी लेखक के ने रूप के परिचय के साथ और किसका परिचय आवश्यक माना है यानी कि रूप के परिचय के अलावा आप और किस चीज के परिचय को ज्यादा महत्व देते हैं कर्म का परिचय नाम का परिचय बुद्धि का परिचय या सहद्रता का परिचय तो जो जरूरी उन्होंने बताया है वो है नाम का परिचय तो कोई ना कोई नाम होता है नाम ही हमें समाज में प्रतिस्थापित करता है तो नाम का परिचय भी बहुत आवश्यक होता है अब आते हैं हम अपने दूसरे गद्यांश पे इस गुरुकूट बिहारी का नाम क्या है मन दूर दूर तक उड़ रहा था देश में और काल में मनोरथा नाम गति अचानक याद आया अरे यह तो कुटज है संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है कुटज कहा गया होता तो कदापि ई ज्यादा अच्छा होता पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो विरुद्ध तो निसंदेह कूटज होगा गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कूटज कहने में विशेष आनंद मिलता है बरहाल यह कूट, कूटज या कूटज मनोहर कुमकुम सबको से झबराया उल्लास लोल चालू स्मित कूटज जी भर आया तो उनको अब क्या हुआ नाम याद आ गया कि ये पेड़ कहाँ है तो इस तरीके से वो बताते हैं कि उनको कैसे उन्हें याद आ गया कि ये पेड़ जो है कि इसको उन्होंने क्या कहा जाता है तो उन्होंने कुटज की जगह कुटज नाम ज़्यादा उपयुक्त तो समझा उस पेड़ का कि हम इसको बोल सकते हैं लेकिन बहरहाल जो कोई भी नाम हो पर ये बहुत ही अच्छा अब इस पे प्रश्न है लेखक वृक्ष का नाम याद करते हुए कहाँ तक चला जाता है उस वृक्ष का नाम याद करते करते कहां चला जाता है वनों और जंगलों में दूर दूर तक इतिहास और इतिहासकारों तक देश और काल से दूर दूर तक अतीत और वर्तमान तक तो वो कहाँ तक चला जाता है उसके बारे में याद करता हुआ देश और काल से दूर दूर तक किस वृक्ष की कवियों द्वारा उपेक्षा की जाती है अशोक तुलसी शीष या कुटज तो इसकी तो जो उपेक्षा की जाती है वो है कुटज कुटज जो है वो कवियों की ए, कविताओं में ज्यादातर शामिल नहीं होता है लेखक को कुटज को कुटज कहना क्यों अच्छा लगता है वो कुटज को कुटज कहना क्यों पसंद करते हैं क्योंकि यह आनंद देता है क्योंकि यह सरल होता है क्योंकि यह छोटा होता है या उपरोक्त सभी तो वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह आनंद देता है हम जब उसको देखते हैं इन ठिंगने से पौधा है फूलों से लदा हुआ है तो वो हमें आनंद प्रदान कर रहा है इसलिए कुटज की जगह इसे कुटज कहना उन्हें ज्यादा उपयुक्त लगता है गद्यांश के अनुसार कुटज की क्या विशेषता है क्या विशेषता बताई गई है इसमें मनोहर फूल लगते हैं इसकी मुस्कुराहट सुंदर है ये उल्लासित सौंदर्य वाला है या उपरोक्त सभी तो यहां पर जो गद्यांश कुटज की विशेषता बताई गई है वो ये सारी ही विशेषताएं। मतलब ये मनोहर फूल देता है इसकी मुस्कुराहट सुंदर है और ये उल्लासित सौंदर्य भी प्रदान करता है कुटज से क्या तात्पर्य है क्या चीज कहना चाहा गया है कुटज के माध्यम से कड़वा और बेस्वाद कुटज पर जन्म लेने वाला कठोर और नीरस कुटिया पर जन्म लेने वाला तो यहाँ पर कुटज से तात्पर्य होता है कुटज में जन्म लेने वाला अब आते हैं हमारे गद्यांश संख्या तीन में क्या मतलब होता है ये तीसरे गद्यांश में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई हैं देखिए गद्यांश आपके सामने हम सिर्फ इसलिए लेकर उपस्थित होते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ हम गद्यांश आपके लिए पढ़ रहे हैं लेकिन आप कोशिश करिए कि इस गद्यांश को आप सामने लिखे स्वयं पढ़िए क्योंकि जब आप खुद पढ़ेंगे ना तो जब आप आंसर करने बैठोगे ना तो फटाफट आपको उसके सारे आंसर आ जाएंगे तो आपको खुद जो है यह गद्यांश पढ़ना है क्या है यह जो मेरे सामने कुटच का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है इसलिए यह इतना आकर्षक है नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है कितने नाम आए और गए दुनिया उनको भूल गई वे दुनिया को भूल गए मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर इसफियमान क्या स्फियमान इस शब्द राशि में जो जम के बैठा है सो बैठा ही है और रूप की तो बात ही क्या बल बलिहारी है इस मादक शोभा की तो यहाँ पर ये फिर से कुटज की ही जो है विशेषता सौंदर्य सभी की व्याख्यात कर रहे हैं चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्र अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींच कर सरस बना हुआ है और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्षा होती है कितनी कठिन जीवनी शक्ति है प्राण हो प्राण को पुलकित करता है जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देता अब इस पे प्रश्न क्या है कुटज का पौधा किसी भी परिस्थिति में पराजित ना होने का संकेत देता हुआ क्या सिद्ध कर रहा है अपनी विजयी जीवन शक्ति अपनी कठोरता एवं नीरसता अपनी संघर्षशीलता या उपरोक्त सभी तो वो साबित कर रहा है अपनी विजयी जीवन शक्ति कि मतलब मेरे अंदर जीवन शक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि कोई भी परिस्थितियां आ जाए मैं उस पर विजय प्राप्त करूंगा हजारों वर्षों से किसका नाम चला आ रहा है संस्कृत साहित्य का जीवनी शक्ति का कुटज का या जल स्रोत का तो हजारों सालों से नाम चला आ रहा है कुटज का चारों ओर चल रही भयंकर लू की तुलना किससे की गई है अग्नि से यमराज की श्वास से कुटज की स्वास से या स्वयं लेखक की श्वास से तो भाई गर्मी का मौसम है तब भी वो इतना भरा भरा जो है और फूलों से लदा खड़ा है तो चारों तरफ वो गर्मी में क्या चलता है वो है आपका यमराज की श्वास क्यों भाई इतनी भयंकर लू चलती है इतनी तपिश होती है कि लेखक ने उसे यमराज की श्वास के प्रकार बताया कि मतलब इस गर्म लू में जो निकल जाए तो समझ लीजिए उसके प्राण पखेरु उड़ ही जाएंगे इसलिए उसे यमराज की श्वास कहा गया है कुटज की जीवनी शक्ति किससे प्रभावित नहीं होती यमराज की कठोरता से पत्थर की कठोरता से तेज गर्मी की कठोरता से तेज़ सर्दी की कठोरता से तो जो प्रभावित नहीं होती है वो है पत्थर की कठोरता से वो पत, पत्थर के ऊपर उगता है लेकिन उसकी जड़ें खूब नीचे तक जाती हैं और वहाँ से भी अपने लिए जल खोज लाती हैं तो वो कठोरता भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है लेखक ने दुष्टों के हृदय से भी कठोर किसे कहा है कुटज को प्राणियों को पत्थर को या कालीदास को तो उन्होंने बोला है उसे ए पत्थर को पत्थर जो है वो दुष्टों के हृदय से भी कठोर होते हैं लेकिन उन कठोर पत्थरों से भी अपने लिए जीवन शक्ति खोजता है कुटज अब आते हैं हमारा नेक्स्ट गद्यांश यानी कि गद्यांश संख्या चौथा कुटज क्या केवल जी रहा है वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता कोई निकट आ गया तो भय के मारे नहीं हो जाता नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामत नहीं करता आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता उंगलियों की लड़ी नहीं पहनता दांत नहीं निपोरता बगले नहीं झागता, जीता है और शान से जीता है काहे वास्ते किस उद्देश्य से कोई नहीं जानता तो मतलब यहां पर वो किसी को दिखावे के लिए नहीं किसी की खुशी के लिए नहीं मगर वो कठिन परिस्थितियों में जी रहा है किस लिए जी रहा ये कोई नहीं जानता अब प्रश्न क्या है गद्यांश के अनुसार कुटज कैसे जी रहा है वो किस प्रकार जी रहा है दूसरों पर आश्रित होकर भयभीत होकर निर्भय होकर या दुखी होकर तो कुटज कैसे किस प्रकार जी रहा है वो है निर्भय होकर किसी के निकट आने पर कुटज क्या नहीं करता है कोई अगर समीप आ जाए तो कुटज क्या नहीं करता है निडर विचलित भय से अधमरा साहस से पूर्ण तो वो क्या नहीं करता वो है भय से अधमरा नहीं होता है कुटज के माध्यम से लेखक ने किस पर व्यंग किया है वो किस पर व्यंग कर रहे हैं समाज के बहुत बड़े वर्ग पर छोटे लेखकों पर निम्न वर्ग पर उपरोक्त सभी पर तो कुटज के माध्यम से लेखक जो व्यंग कर रहे हैं वो है समाज के बहुत बड़े वर्ग पे जो बहुत ही नाजुक परिस्थितियों में भी घबरा जाते हैं हल्के से कोई बदलाव आ जाए उनके जीवन में तो घबरा जाते हैं लेकिन कुटज के पास इतनी विपरीत परिस्थितियां होती हैं मगर वो कभी घबराता नहीं है गत्यांश के अनुसार कुटज के जीने का उद्देश्य क्या है प्रगति करना हार ना मानना स्वावलंबी होना या कोई नहीं जानता तो यहां पर क्या है उसका जो गद्यांश में बताया गया है वो कोई नहीं जानता कि उसके जीने का उद्देश्य क्या है कुटज स्वार्थ अंधविश्वास और भविष्य से डर कर क्या नहीं करता क्या नहीं करता नीलम धारण अफसरों की खुशामत भीख मांगना या ये सभी तो यहां पर कुटज स्वार्थ अंधविश्वास और भविष्य के डर से नीलम धारण नहीं करता मनुष्य है ना ये सब चीजों भैया पंडित ने बोला नीलम धारण कर लो ये पन्ना मोती जो भी है वो धारण कर लो और लोग धारण कर लेते हैं मगर कुटज ये सब नहीं करता है अब आते हैं हम अपने पांचवें गद्यांश पांचवे गद्यांश में क्या पूछा गया है दुख और सुख तो मन के विकल्प है सुखी वाह है जिसका मन वश में है दुखी वह है जिसका मन परवश में है परवश होने का अर्थ है खुशामत करना दांत निपोरना चाटुकारिता हां हजूरी जिसका मन अपने वश में नहीं वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है कुडज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है वह वशी है वह वैरागी है राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है तो यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार राजा जनक जो है वो इस लोक में रहते हुए भी सारे भोगों को भोग रहे थे मगर तब भी इनसे मुक्त थे इसी प्रकार कुटज भी है प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रकाश डाला है वो किस पर प्रकाश डाल रहे हैं स्वार्थी प्रवृत्ति पर मनुष्य की अंतर्वृत्तियों पर समाज के उच्च वर्ग पर लेखन की लेखन की बारीकियों पर तो ने लेखक जो प्रकाश डाल रहे हैं वो है मनुष्य की अंतर्वृत्तियों पे हमारे अंदर बहुत सारी खामियां होती हैं हमें अगर किसी से कोई काम निकालना है तो जी हजूरी है उसकी हाँ में हाँ मिलाना है हम कार्य करने लगते हैं तो इसी पर उन्होंने यहाँ पर प्रकाश डाला है कि ऐसा कुटज कुछ नहीं करता लेखक के अनुसार परवश होने का क्या तात्पर्य है परवश होना का मतलब क्या होता है किसी व्यक्ति की चापलूसी करना छल कपट करना चाटुकार्ती करना या उपरोक्त सभी तो यहाँ पर होगा उपरोक्त ये सभी परवश का मतलब है हम दूसरे के वश में आ जाते हैं मतलब हम अपने क्या कहते हैं लोभवश अपना काम निकालने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं इसीलिए उसको उन्होंने क्या बोला है परवश तो अब दूसरे से काम निकालेंगे तो चापलूसी भी करेंगे छल कपट भी करेंगे चाटुकारता भी करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा परवश का तात्पर्य ये सभी जिस मनुष्य का मन वश में नहीं वह क्या करने की कोशिश में रहता है जब हमारा मन हमारे वश में नहीं रहता तो हम क्या करने की कोशिश में रहते हैं दूसरे के मन को परिवर्तित करने स्वयं के विषय में सोचते रहने बाह्य आडंबरों से घिरे रहने या दूसरों से दूर रहने में तो हम क्या करते हैं वो है हम दूसरे के मन को परिवर्तित करने में मतलब हम सामने वाले की कोशिश अपना हम जैसा चाहते हैं हम चाहते हैं कि दूसरा भी वैसा करे तो उसके मन को हम परिवर्तित करने के लिए तब चापलूसी छल कपट और चाटुकारिता का कार्य करते हैं कुटज सब मिथ्याचारों से दूर है का क्या आश्रय ये कथन दिया गया कुटज जो है वो सब मिथ्याचारों से अलग है ऐसा क्या मतलब है इसका वह परम ज्ञानी है उसका उसका अपने मन पर अधिकार है है व्यक्तित्व महान है, उसके ज्ञान में खुशियां खुशियां ही खुशिया हैं तो अब यहाँ पर इसका तात्पर्य होता है कुटज सब मिथ्याचारों से दूर है उसका अपने मन पर अधिकार यानी कि कुटज ने अपने मन पे वश कर रखा है वो परवश में नहीं है वो दूसरे के मनों को बदलना नहीं चाहता वो अपने में ही खुश रहना चाहता कुटज के वृक्ष की तुलना किससे की गई है ज्ञानी मनुष्य से सुखी आत्मा से छिंद्रावेशी से राजा जनक से तो यहाँ पर कुटज की जो तुलना की गई है वो है राजा जनक से की गई है अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 तक हमारा गद्यांश आधारित प्रश्न थे यानी कि हमें गद्य दिया गया खंड उस पर और उसमें से हमने प्रश्न किए अब हमारे पास प्रश्न संख्या 26 से संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न आएंगे यानी कि पूरे ही पाठ पे आधारित प्रश्न आएंगे तो चलिए जरा देखते हैं क्या कैसे हैं। मेघ दूतम किसकी रचना है कालमेघ कालिदास तुलसीदास महावीर प्रसाद द्विवेदी तो मेघ दूतम जो है वो किसकी है कालिदास की रचना यक्ष को किसने श्राप दिया था कालिदास ने देवराज इंद्र ने कुबेर ने या नारद जी ने तो यक्ष को श्राप दिया था कुबेर ने शिवालिक क्या है पर्वत शिखर पर्वत श्रेणी शिव की लटियाई जटा या उन्नत प्रदेश तो यहाँ पर शिवालिक जो है वो क्या है पर्वत श्रेणी है यानी कि पर, पर्वत श्रृंखला है बहुत सारे पर्वत एक श्रेणी में है तो वो पूरी श्रेणी श्रेणी क्या कहलाती है शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं कुटज के वृक्ष कहाँ अधिक दिखाई देते हैं शिवालिक की नीरस पहाड़ियों पे उपवन में मरुस्थल में या सुंदरवन में तो कुटज के अधिकतर वृक्ष दिखाई देते हैं शिवालिक की नीरस पहाड़ियों अब शिवालिक की नीरस पहाड़ियाँ क्यों क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है इस कारण वहाँ पे अधिकतर समय बर्फ रहती है जिसके वहाँ पे शुष्कता है तो वहाँ हरियाली नहीं रहती है और इक्का दुक्का ही पेड़ उग पाते हैं और उन इक्का दिक्का पेड़ों में कुटज होता है कुटज के वृक्ष कैसे होते हैं ताड़ खजूर के पेड़ की तरह लंबे वट वृक्ष के पेड़ की तरह लंबे नाटे ठिंगने कोमल सुकुमार तो कुटज के वृक्ष होते हैं नाटे ठिंगने नाम कब बड़ा हो जाता है जब राजा महाराजाओं का होता है जब अलंकारिक होता है जब उसे सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है जब वह भगवान का नाम हो जाता है तो नाम जब बड़ा होता है यानी कि जब उसे समाज में स्वीकृति मिल जाती है यानी कि समाज के लोग जब उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो तभी बड़ा हो जाता है निबंध में गिरिकूट बिहारी किसे कहा गया है कवि बिहारी को गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण को या कुटज को तो गिर क्या कहते हैं निबंध में गिरिकूट बिहारी बोला गया है कुटज को यक्ष कहां निर्वासित जीवन जी रहा था रामगिरी पर धौलागिरी पर नीलगिरी पर या पंपासर पे। तो यक्ष जो निर्वासित जीवन जी रहे थे वे थे रामगिरी पर यक्ष ने किसके माध्यम से अपनी प्रिया को संदेश भेजा था नारद जी द्वारा मेघ द्वारा डाक द्वारा या पवन द्वारा तो उन्होंने अपना संदेश मेघ द्वारा बोला भेजा था तो इसीलिए तो मेघ द्वारा संदेश भेजा था तभी तो कालिदास मेघ दूतम बोला यानी कि मेघ जो है वो एक दूत के समान है और संदेश लेकर जा रहे हैं शापित यक्ष ने किन फूलों से मेघ की अभ्यार्थना की थी यानी कि मेघ की पूजा किन वृक्ष के फूलों से की थी गुलाब के फूलों से गेंदे के फूलों से कुटज के फूलों से या चमेली के फूलों पे। तो उन्होंने करी थी वो कुटज के फूलों से हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था गाजीपुर छपरा बलिया दिल्ली तो इनका जन्म हुआ था बलिया में हजारी प्रसाद द्विवेदी किस उपनाम से भी जाने जाते हैं विष्णुकांत शास्त्री व्योमकेश शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री या वैद्यनाथ मिश्र तो ये जाने जाते हैं व्योमकेश शास्त्री के नाम से भी मनस्वी मित्र तुम धन्य हो मनस्वी मित्र का प्रयोग किसके लिए हुआ है कुंभज मुनि के लिए द्विवेदी जी के लिए कुटज के लिए या ऋषि मुनि के लिए तो मनस्वी मित्र जो इस्तेमाल किया गया है वह है कुटज के लिए इस्तेमाल गया है संस्कृत भाषा में फूलों वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द किस भाषा के परिवार है किस भाषा के परिवार आते हैं अग्निकोण ऑस्ट्रोलिय एशियाटिक दक्षिणी पूर्वी या कौल भाषा तो ये जो आते हैं ये है आपके अग्निकोण के नाम संस्कृत में दासी को क्या कहा जाता है परिचारिका सेविका कूट हारिका या कूट वारिका या दासी तो संस्कृत में बोला जाता है कूट हारिका या कूट वारिका कुटज कहाँ का सैलानी है मरुभूमि सुंदरवन पर्वत का या जंगल का तो वो कहां का है वो है जंगल का सैलानी अर्थात रहता तो वो कहां पर है पहाड़ों पे उगता है लेकिन वो जंगलों में भी सैर करता कुटाज किस भाषा का शब्द है असमिया भाषा संस्कृत भाषा हिंदी या फारसी अरबी भाषा का तो कुटाज जो है वो शब्द है संस्कृत भाषा का नाम किस पद को कहते हैं हमारा नाम है ये किस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी हो जिस पर खुद की मुहर लगी हो जिसको कोई ना जानता हो या इनमें से कोई नहीं तो समाज जो है वह जो जिस आ, समाज नाम जो है वो कहाँ पद का है जिस पर समाज की मुहर लगी हो अगर समाज मुहर लगा दी जाता है तो हमें क्या मिलता है एक पद एक स्थान मिल जाता है समाज के अंदर वैरागी किसे कहा गया है यश को पर्वत को बालक को या कुटज को तो वैरागी जो है वो कुटज को कहा गया है कुटज किस पर सवारी करता है हाथी पर घोड़े पर पर्वत पर या मन पर वो कहाँ करता है मन पर सवारी करता है क्योंकि खिलता वो फले भले पर्वतों पे हो सैर करने भले वो जंगल में जाता हो लेकिन सवारी कहाँ करता है हमारे मन में क्यों क्योंकि हमारे मन को वो भाता है और वहीं पर वो जो है सवारी कर लेता अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा कौन करता है हिमालय पर्वत चट्टान कुटज या शिवालिक पर्वत तो जो करता है वो है आपका कुटज लेखक ने किसे शोभा निकेतन कहा है कुटज को समुद्र को पर्वत को या हिमालय पर्वत को लेखक ने जो बोला है शोभा निकेतन किसको पर्वत को, क्योंकि वहां से बहुत सुंदरता दिखाई अपार सुंदरता होती है तो इसीलिए उसको क्या बोला गया है शोभा निकेतन निकेतन मतलब घर और शोभा यानी कि जहां रहती है सुंदरता कहां रहती है पर्वत पर दुनिया में त्याग नहीं प्रेम नहीं है डैश नहीं है अब यहां डैश पे क्या भरेंगे आत्मा परमात्मा परमार्थ या सुख तो यहां पर क्या आएगा क्या नहीं है वो है परमार्थ नहीं है दुनिया में त्याग नहीं प्रेम नहीं परमार्थ नहीं है तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसलिए हर चैप्टर की एक एक लाइन को आपको समझना और पढ़ना होगा रूप व्यक्ति सत्य है और नाम डैश सत्य है क्या है स्वयं समाज दुनिया या व्यक्ति तो यहां पर नाम जो है वो है समाज सत्य है यानी कि रूप जो है वो व्यक्ति का सत्य है और नाम जो है वो समाज का सत्य है क्योंकि नाम के माध्यम से ही हम समाज में पहचान रखते हैं कुटज किस कोटि का निबंध है विवरणात्मक विश्लेषणात्मक ललित या खड़ी बोली कहानी तो यहां पर कुटज जो है वो किस कोटि का निबंध है वो है ललित यानी कि नए प्रकार से लिखा गया निबंध है इसलिए ये ललित कोटि में आता तो क्या है लेखक द्वारा हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन आप सभी को पता है हिमालय बहुत ही सुंदर है अलग अलग कवियों और लेखकों ने बहुत इसकी सुंदरता का वर्णन किया उसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इसके सौंदर्य का वर्णन हमारे लिए लेकर आए हैं क्या है लेखक हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि हिमालय की वृहद लंबाई देख ऐसा लगता है जैसे वह भारत के पूर्व तथा पश्चिम के समुद्र को अपनी भुजाओं में थाता यानी अनुमान लगाता है इसीलिए कालिदास ने हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा है तो मतलब ये इतना ऊंचा है कि ये पूर्व में है और पश्चिम में जो है ना क्या हो जाएगा पश्चिम जैसे लगता है सॉरी उत्तर में है और ये पूरा पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितने भी समुद्र हैं उत्तर में हिमालय है ठीक है फिर पूर्व से लेकर पश्चिम तीन तीन तरफ से हमारा देश समुद्रों से घिरा हुआ है ठीक है तो वो जैसे लगता है कि वो अपने अपनी ऊंचाई से ऊंचा उच, खड़ा होकर जैसे हमें कोई चीज़ का अनुमान लगाना हो तो हम जा, क्या जाते हैं ऊंचाई पे जाते हैं तो हिमालय बहुत ऊंचा उठ के हर तरफ के समुद्र का अनुमान लगाता रहता है कि समुद्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है जैसे आप है आपको अगर आपसे ये चीज बोली जाए कि आप आसमान में जो पतंग उड़ रही है तो तो आप उसका अनुमान कैसे लगाओगे थोड़ा सा आप उसके एकदम उसके नीचे खड़े होगे तो आप अनुमान नहीं लगा थोड़ा दूर जाके ऊंचाई पे जाके तब आप अनुमान लगाओगे हम्म उसी तरह अगर कोई चीज आप कहीं जंगल जंगल में फंस जाओ आपको रास्ता ढूंढना हो तो आप किसी पेड़ पर पे चढ़ के आप अंदाजा लगाओगे तो वही चीज ऊपर उत्तर में खड़े होकर हिमालय तीन तरफ यानी पूर्व पश्चिम जो हमारे समुद्र है वो उनका अनुमान लगाता है कि कहां से कहां तक फैला हुआ है वह कहता है इसके दक्षिण तथा समानांतर स्थित पर्वत श्रृंखला शिवालिक कहलाती है अब क्या इसमें क्या आ, क्या है दक्षिण में जो समांतर उसी के आगे जो पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं, वो क्या कहलाती हैं? शिवालिक कहलाती हैं। शिवालिक का अर्थ जानने के लिए वह अनुमान लगाता है कि शिव की फैली हुई जटाएं केश राशि ही तो शिवालिक की पहाड़ी नहीं बन गई हैं तो अब यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि हिमालय सोचता है कि शिव की जो फैली हुई जटाएं हैं केश जटाएं आपने देखा ना शिव जी की लंबी लंबी जटाएं तो कहीं वो जटाएं ही तो ये शिवालिक पर्वत नहीं बन गई हैं वह बताता है कि हिमालय से अलकनंदा का स्रोत बहुत दूर है लेकिन शिव की सर्व विद्यमानता और हिमालय के रूप में उसकी समाधित्य भाव की कल्पना से ऐसा लगता है जैसे ये शिवालिक श्रृंखला उनके समानिध्य स्वरूप का प्रतिनिधित्व कर रही हो तो इस लाइन का मतलब है कि अलकनंदा का स्रोत जो है वो शिवालिक से बहुत दूर है लेकिन तब भी जो है उसके बहुत पास हमें महसूस होता है कि बहुत नजदीक ही अलकनंदा निकल रही हैं। शिवालिक की शुष्क और नीरस पर्वत श्रृंखलाओं पर उस लेखक को उनके वृक्ष मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं जो गर्मी की भयंकर मार्ग सहकर भी मस्ती से झूम रहे होते हैं वह इन वृक्षों के नाम नहीं जानता अब क्या है <coughs> सॉरी हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहां पे या तो बहुत ठंडा पड़ता है माइनस में टेम्परेचर जाता है और जब सूरज निकलता है तो धूप भी बहुत तेज होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है बहुत गर्मी क्योंकि पत्थर होता है तब जाता है तो अब उसको क्या है ना जब वो बहुत ज्यादा तब जाता है तो उसमें आप देखते हैं तब भी वो पेड़ बहुत अच्छे से खड़े होते हैं बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे होते हैं मतलब यहाँ पर ये बताया है कि इतना चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो ये पेड़ दोनों ही परिस्थितियों में बड़े ही अच्छे बने रहते हैं तो यहाँ पर कभी उनके नाम नहीं जानते लेखक उन भाई जब बहुत सारे पेड़ हैं उनके नाम नहीं जानते तो लेखक भी उनके नाम नहीं जानते लेकिन इनकी सहन शक्ति को देख वो जरूर आश्चर्यचकित रहते हैं अगला है हमारे पास वृक्ष का नाम याद करना वृक्ष तथा नाम के सामाजिक महत्व का वर्णन अब इसमें जो हम पढ़ेंगे क्या है वृक्ष का नाम वो बोल रहे हैं हमें वृक्षों का नाम नहीं पता है तो अब उनमें से कुछ वृक्षों के नाम वो याद करते हैं और समाज से इसका क्या जुड़ाव है क्या महत्व है ये समझाएंगे लेखक को उन वृक्षों में एक छोटा सा बड़े और चौड़े पत्तों वाला फूलों से लदा हुआ वृक्ष दिखाई देता है अब बहुत सारे वृक्ष थे तो उसमें उनको एक छोटा सा पेड़ दिखाई देता है जो बहुत ज़्यादा फूलों से लदा है वह इस वृक्ष का नाम याद करने का प्रयास करता है वह कहता है वह उस वृक्ष को भली भांति पहचान रहा है किंतु सदैव की भांति उसे उसका नाम याद नहीं है नाम याद करते समय उनके सामने एक प्रश्न उठता है कि नाम बड़ा है या रूप व सोचता है कि नाम की आवश्यकता क्यों है अब क्या है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं नाम को याद करें 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 वो जो पेड़ उन्होंने देख रहे हैं सामने उनके लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है। फिर वो नाम याद करते करते सोचते हैं क्या नाम याद करना जरूरी है क्या इसकी पहचान सिर्फ इसके नाम से है क्या ये जो इस समय है क्या इसकी महत्ता इसकी मौजूदगी से नहीं है क्या बिना नाम के हम इसको कोई महत्व नहीं दे सकते हैं नाम किसी को कितने ही दिए जा सकते हैं नाम के महत्व के बारे में बताता है कि नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है जबकि रूप व्यक्तिगत पहचान है वृक्ष का समाज स्वीकृत नाम देने के लिए व्याकुल होता है तो अब क्या है नाम क्या है हम सबका हम लोग की आइडेंटिफिकेशन हम लोग के नाम से है मगर ये नाम हमको क्यों दिया गया है बात है कि ये नाम हमको क्यों दिया गया है ताकि समाज में हमारी एक पहचान बन सके लेकिन हमारे कृत्य हमारा रूप ये सब क्या है ये हमारा अपना व्यक्तिगत है ये हमें समाज ने नहीं दिया नाम हमें समाज ने दिया है लेकिन हमारे जो कृत्य हमारा जो रूप सौंदर्य ये सभी कुछ हमारा व्यक्तिगत है तो अब यहाँ पर लेखक बहुत कोशिश कर रहे हैं उसके समाज प्रदत्त नाम को खोजने के लिए उस पेड़ के समाज प्रदत्त नाम को खोजने के लिए कुटज तथा उसका साहित्य में प्रयोग अब उन्हें नाम याद आता है कुटज अब उसका साहित्य में प्रयोग क्या है लेखक इस वृक्ष को गिरिकूट बिहारी कहकर इसके नाम के बारे में पुनर्विचार करते हैं अब उन्हें याद आता है कि शायद इसे गिरिकूट बिहारी कहते हैं फिर से वो याद करने अचानक उन उसे याद आता है यह तो कुटज है फिर उन्हें एकदम से याद आता है कि इस पेड़ का नाम क्या है कुटज है जिसे संस्कृत में के कवियों द्वारा कभी पर्याय महत्व प्राप्त नहीं हुआ यानी कि जो उसे मिलनी चाहिए महत्ता मिलनी चाहिए जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो उसे कभी प्रदान की ही नहीं गई लेखक कहता है कि कालिदास ने मेघदूत में यक्ष द्वारा रामगिरी पर मेघों की पूजा अर्चना के लिए कुटज के फूलों का प्रयोग करवाया और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने स्वयं रामगिरी पहुंचकर कभी मेघों की पूजा अर्चना के लिए शिवालक की भांति अन्य फूल ना मिलने पर अर्ध चढ़ाया हो अब क्या हुआ मेघ दूत महाकाव्य है कालिदास जी का हम सभी को पता है तो उस मेघ दूत में जो है ना यक्षों ने जब रामगिरी की पूजा अर्चना की तो उसके लिए उन्होंने कालिदास ने लिखा कि उन्हें कुटज फूल का इस्तेमाल किया अब कुटज फूल का उन्होंने इस्तेमाल क्यों किया क्योंकि उन्हें कोई और फूल मिला नहीं इसलिए उन्होंने कुटज का इस्तेमाल किया ये चीज़ उसमें दिया कि मतलब रामगिरी पहुंचकर भी मेघों की पूजा अर्चना के लिए शिवालिक एक ही भांति अन्य फूल ना मिलने पर यानी कि वहां पे शिवालिक में जैसे अन्य फूल मिलते थे वहां पर और अन्य फूल नहीं मिले रामगिरी पे तो इसलिए उन्होंने कुटच का इस्तेमाल किया इसलिए कुटज अति महत्वपूर्ण है क्यों क्योंकि वो हर परिस्थिति में मिलता है ये नहीं है कि बहुत अनुकूल ही अनुकूल परिस्थितियां हो तभी वो वहां मिलेगा ऐसा नहीं वो विपरीत परिस्थितियों में भी खिलता है इसलिए कुटज महत्वपूर्ण है कुटज एक बड़भागी फूल है मतलब बहुत ही भाग्यशाली जिसने कालिदास की रचना के चित्रों का सहारा ली सहारा दिया था यानी कालिदास ने जब मेघदूत लिखी तो उसमें चित्रों में कुटज का इस्तेमाल दिखाया गया है चित्रों में लेखक स्वयं शिवालिक पर्वत श्रृंखला की ओर देखकर अर्ध चढ़ा देता है अब लेखक जब वहां पे है तो शिवालिक पर्वत की तरफ देखते हैं और वहां पर वो स्वयं अर्ध चढ़ाते भाई जाहिर सी बात है ये सभी पूजनीय पर्वत है हम भी पहुंचेंगे तो हम भी वहां पूजा अर्चना करेंगे तो लेखक ने भी की कुटज के सम्मान का प्रश्न अब यहां पर कुटज को सम्मान प्रदान करने की बात आती है क्यों सब लोगों ने सम्मान प्रदान नहीं किया क्या कारण था ये भी लेखक कहता है कि कालिदास ने जिस पुष्प का वर्णन किया उसे सम्मान मिलना चाहिए परंतु कुटज को उतना सम्मान मिला नहीं क्योंकि यहाँ पर मेघ दूत में ही कुटज का इस्तेमाल दिखाया गया वहां पे उनका वर्णन भी बताया गया लेकिन और सब जगह कुटज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई रहीम का उल्लेख करते हुए लेखक बताता है कि रहीम ने रहीम नेक दिल व्यक्ति थे लेकिन इस मत आ, मतलबी समाज में उन्हें भी वह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जिसके वे हकदार थे तो उनका क्या मतलब रहीम जैसे कुटज बहुत ही अच्छा था मगर उसे समाज में सम्मान प्राप्त नहीं हुआ उसी तरह रहीम भी बहुत ही अच्छे इंसान नहीं दिल इंसान थे लेकिन समाज ने उन्हें उतना सम्मान प्रदान नहीं किया लेकिन उससे उनके गुणों में कोई कमी ना आई किंतु अपनी दुखी मन स्थिति में उन्होंने झुंझुला कर कुटे के विषय में कहा था अब क्या है अब मान लीजिए हम बहुत अच्छे हैं या आप बहुत अच्छे हैं लेकिन अब अगर आपको समाज में सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा तो आपकी वो अच्छाई मरेगी तो है नहीं वो आपकी व्यक्तिगत है वो आपके पास हमेशा रहेगी और आपके व्यवहार में झलकती रहेगी कोई हमें सम्मान दे ना दे उससे हमें क्या मतलब तो वही चीज रहीम जी के साथ हुई कुटच के साथ भी है सम्मान नहीं प्राप्त करे तो हमारी जो अच्छाइयाँ हैं वो तो हम बनी रहेंगी लेकिन अपने मन की दुखित स्थिति में रहीम जी ने कुटच के ऊपर जरूर कुछ कहा क्या कहा वे रहीम अब बिरच कहे जिन छाछ गंभीर बागन बिच बिच देखिए से हुड़ कुटज करीर तो इसका मतलब क्या है लेखक को दुख है कि कभी कभी कवियों के खराब मूड से सम्मान के पात्र भी गलत बयानी का शिकार हो जाते हैं मतलब अगर कोई लेखक बहुत ही खराब मूड में है तो वो किसी दूसरे लेखक के लिए कुछ गलत भी लिख देता है हम्म कुटज के से छाव नहीं मिलती परंतु उसमें फूल होते हैं अर्थात रहीम जी कहते हैं कि जैसे कि कुटज एक पेड़ है जिसमें कि जिसके पास हम जाएंगे तो उसमें हमें छाव नहीं मिलेगी लेकिन उसमें फूल बहुत अच्छे खिलते उसी तरह बहुत अच्छा अगर लेखक है तो वो आपको आदर सम्मान नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं है लेकिन आपकी अच्छाइयां तो आपके पास में है ना तो यही चीज इन्होंने यहाँ पर कुटज के माध्यम से व्यक्त करी है कुटज शब्द की उत्पत्ति तथा कुट कुटज कुहिर का, कुटकारिका का अर्थ अब ये कुटज कैसे पैदा हुआ इस शब्द का अर्थ क्या है और अलग अलग जगह इस कुटज शब्द को कैसे व्यक्त किया जाता है क्या दिया लेखक कुटज का स्पष्ट करते हुए बताता है कि जो कुट से पैदा हुआ वह कुटज है यानी कि जो कुट कुट शब्द से पैदा हुआ वो कुटज है कुट का अर्थ है घड़ा क्या होता है घड़ा हम लोग पानी गर्मियों में ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए घड़ा देखते हैं ना तो वो घड़े घड़ा बोलते हैं कुटज घड़ा और घर दोनों घड़ा भी होता है और घर भी होता मतलब घर में जो पैदा हुआ वो भी और जो घड़े में पैदा हुआ वो भी संस्कृत में कुट कुटहारिका कुटिहारिका शब्द का अर्थ घर में काम काज करने वाली दासी है अब यहाँ पे देखिए कितनी जगह है यहाँ कुट का शब्द दिया फिर कुटिहारिका कुटिहारिका का मतलब घर में काम करने वाली दासी व्यभिचार करने वाली दासी कुटनी कहलाती है यानी कि जो गलत कार्य करती है गलत व्यवहार करती है वो क्या कहलाती है कुटनी, जिसे संस्कृत में कुट, कुट बोलते हैं, ठीक है कुटटीनी कह दिया गया है अगस्त मुनि को घड़े से उत्पन्न होने के कारण कुटच कहा गया जाता है परंतु घड़े से उत्पन्न होने की बात लेखक को उचित नहीं लगती अगस्त मुनि घड़े से पैदा हुए थे इसलिए उन्हें कुटज कहा जाता है लेकिन घड़े से कैसे कोई पैदा हो सकता है ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है लेखक विचार करता है कि कुटज शब्द कहाँ से आया अब वो सोचते हैं कि कुटज आया कहाँ से भाई ये शब्द अगर आया है तो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत में कुटज कुटच तथा कुटज आदि अनेक शब्द मिलते हैं लेखक सिल्वा लेखनी लेखी द्वारा फूलों वृक्षों व खेत बाग बागने के अधिकांश शब्दों का आग्ने भाषा परिवार में होने के कथन का उल्लेख करते हुए कहता है कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों की भाषा में समानता को देखकर भाषा वैज्ञानिक भी हस्तप्रस्त है अब उन्होंने संस्कृत में देखा ये सारे शब्द मिल रहे हैं शायद इन्हीं से बना हो लेकिन वो आगे बताते हैं कि लेखक जो हैं वो सिल्वा लेखनी द्वारा जो फूल और वृक्षों व खेत बागवानी के अधिकांश शब्द हैं यानी कि जो दूसरी भाषाओं दूसरी भाषाओं से जो हमारी भाषा में लिए गए शब्द हैं इनको अगर हम देखें जैसे होता है ना कि हमारा परिवार है अब हमारे परिवार में कभी बाहर का भी कोई सदस्य शामिल हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं पारिवारिक मित्र बोलते हैं उसी तरह हमारी भाषा संस्कृत है फिर संस्कृत से और डेवलप हुई तो हिंदी हुई तो ये हमारे ये हमारी भाषा है अब इसमें दूसरी भाषाओं के जब शब्द आकर मिल जाते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं वो पारिवारिक मित्र की तरह ही हो जाते हैं तो उन्होंने एक अंदाजा लगाया शायद एशिया और ऑस्ट्रेलिया की जो जनजातियां हैं उनके कुछ शब्द मिलकर संस्कृत में मिलकर उनसे ही कुटज शब्द की उत्पत्ति हुई होगी उनका एक अंदाजा ये भी है वो अब सोच रहे हैं कि कैसे कैसे लग सकता है। जिसे उन्होंने आरंभ में ऑस्ट्रो एशियाटिक और बाद में आग्नेय भाषा परिवार कहा अब जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया से जो शब्द आए मिले तो अब इनको क्या बोला गया ऑस्ट्रो एशियाटिक और साथ ही बाद में उन्हें आग्नेय भाषा भी कहा गया जिसे वर्ग विशेष व साहित्य के कारण कोल परिवार कहने लगे अब इसके अलावा और भी साहित्यकार आए तो तो ये तो हमारे लेखक का मत था और आगे जितने साहित्यकार आए तो इन्होंने उनको आगे क्या दे दिया कि ये कोल परिवार के सदस्य हैं यानी कि दूसरे परिवार के होता है ना अब हमारे जैसे हमारा परिवार है हमारे परिवार में आसपास अभी प, आ, आपका जैसे शर्मा परिवार है शर्मा परिवार में अगर मान लीजिए आपका दीक्षित परिवार आ गया श्रीवास्तव परिवार आ गया फिर उसके बाद एक ब्राह्मण परिवार आ गया तो ये अलग अलग परिवार है ना तो उसी तरीके से एक परिवार क्या बोला गया कोल परिवार को इनकी महत्ता दी गई लेखक संस्कृत को सर्वग्राही भाषा कहते हैं मतलब संस्कृत ने बहुत से भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है क्योंकि संस्कृत दूसरी भाषाओं के शब्दों को बचाने की शक्ति रखती है यानी कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है इतना ज़्यादा महारत है कि अगर दूसरी भाषाओं के शब्द भी आ जाएं तो वो उन्हें अपने आप में मिला जुला कर रख लेती जैसे आपके परिवार में अगर बाहर से कोई सदस्य आता है तो आप उसका बहुत आदर सम्मान प्यार सब कुछ देते हैं ना तो उसी तरीके से संस्कृत भाषा ऐसी है कि उसमें दूसरे परिवार के अगर सदस्य आते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से उनको सजा सवार के रखती है साथ ही वह बताता है कि संस्कृत में ना जाने कितनी जातियों के शब्दों ने स्थान पा लिया है सम्भता कुटज भी ऐसा ही शब्द होगा तो बहुत से वो बोलते हैं कि बहुत से बाहरी शब्दों ने स्थान पाया है तो हो सकता है कुटज भी ऐसी ही किसी एक बाहरी भाषा का शब्द रहा होगा अब उसमें उन्होंने बोला आग्नेय भाषा भी हो सकती है मतलब ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा भी हो सकती है जहाँ से ये शब्द आया होगा कुटज के स्वरूप तथा विशेषताओं का वर्णन अब भाई हम कुटज के बारे में तो जान गए कि कहां कहाँ से आया होगा कैसा दिखता है अब इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं लेखक को अपने सामने लहराता हुआ पौधा यानी कुटज दिखाई देता है जो अपने नाम और रूप से अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है यही कुटज है जो हजारों वर्षों से कालिदास से लेकर आज तक जमा हुआ है चारों ओर धधकती धूप और लू में भी यह हरा भरा बना हुआ है कठोर पहाड़ों के बीच भी ये अपने लिए रस प्राप्त कर लेता है लेखक कल्पना करता है कि बर्फीली चोटियों पर समाधि में बैठे महादेव को इस दुर्गम स्थल पर जीवन की जीविशा के लिए कुटज के वृक्ष हिलाकर अपने फूलों को उन पर चढ़ा देते हैं वह यही उपदेश देता है कि कठोर पत्थरों को तोड़कर पाताल की छाती चीर अपना भोग्य संग्रह करो तूफान झंझा झेल कर आकाश को चूम कर उल्लास खींच लो तो अब क्या होता है लेखक क्या बताते हैं कुटज के बारे में कुटज उनके सामने खड़ा हुआ है कितनी विपरीत परिस्थितियों में अब ये नहीं है कि ये सिर्फ हिमालय पर्वत पे ही है हिमालय पर्वत पे हमने आपको बताया परिदृश्य दोनों तरीके के हैं गर्मी भी होती है ठंड भी होती है हम सभी को पता है मौसम बदलते हैं होता है अब इन दोनों ही विपरीत परिस्थितियों में ये आराम से खड़ा रहता है इसके आसपास जो है ना पेड़ है न पौधे हैं न जल का कोई स्रोत है तब भी इन चट्टानों इन कठोर चट्टानों से ही लिए अपने लिए रस लेता है और रस लेकर जीवित रहता है फिर ये बोलते हैं कि जो हमारे शिव जी हैं ये आपको पता है कैलाश पर्वत पर वो समाधि लगाते हैं ऐसा माना जाता है तो कैलाश पर्वत पर जब वो समाधि लगाकर बैठते हैं तो उनकी आराधना करने के लिए ये कुटज का फूल ही वहाँ पर रहता है भाई उनकी पूजा अर्चना के लिए कोई तो फूल चाहिए ना तो ये कुटज है जो वहाँ पर रहता है और उनकी पूजा अर्चना में चढ़ाया जाता रहता है तो इस तरीके से हमें बता रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों यानी कि तूफान हो आंधी हो सर्दी हो गर्मी हो हर परिवेश में ये कुटज बहुत ही सम्मान पूर्वक शिथिलता के साथ खड़ा हुआ है लेखक का बौद्धिक चिंतन अब उन्होंने कुटज की विशेषताएं तो बता दी अब इसके ऊपर वो चिंतन कर रहे हैं उसकी विशेषताओं के ऊपर वो चिंतन करना शुरू करते हैं क्या कहते हैं लेखक सोचता है कि जीवन जीना एक कला है हम सभी जीते हैं हम लोगों का जीवन है हम लोग जी रहे हैं तो इसे ऐसे जी जी मतलब ऐसे हमें जीना चाहिए जैसे कि हम कोई कला यानी कि जो हम पेंटिंग बनाते हैं इस तरीके से तपस्या है व्यक्ति को अपने क्रिया क्रियाकलापों से जीवन में को प्रतिदिन बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए केवल जीवन व्यतीत करना जीवन नहीं है वह कहता है वैसे संसार अपने मतलब के लिए जी रहा है लेखक वलक्य ऋषि का उदाहरण देते हुए कहता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए है पश्चिमी विचारक तो दुनिया में केवल प्रचंड स्वार्थ को देखते हैं त्याग प्रेम और परार्थ को नहीं तो अब यहाँ तक हमने इसको पढ़ा तो हम क्या कह रहे हैं कि जीवन जीना एक कला है उन्होंने बोला हम प्रतिदिन अपने क्रियाकलाप मतलब हमारी जो पर डे की जो एक्टिविटीज रहती हैं, इससे हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर प्यारा सा बनाते रहते हैं ठीक है तो यहां पर उन्होंने चीज़ बनाया कि हमें जीवन ऐसे जीना चाहिए कि सिर्फ हम काट रहे हैं मैसेज एनर्जी हमें एंजॉय करते हुए और बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ जीना चाहिए ताकि लोग हमारे जीवन को देख प्रेरणा ले सकें ये चीज़ तो यहाँ पर याग्वलक के ऋषि ने जो है अपनी पत्नी से एक बार कहा था इस संसार में जहाँ कहीं प्रेम है प्यार है वो सभी जो है स्वार्थ के कारण है आपको प्यार तभी मिल रहा है जहाँ वहाँ पे स्वार्थ है अगर आपसे कोई किसी का कोई मतलब नहीं है तो जान लीजिए कि वो आपसे प्यार ही नहीं करता सिंपल सी चीज़ है तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमें जो है समझा सब मतलब पश्चिमी विचारक तो दुनिया को केवल प्रचंड स्वार्थ को देखते हैं पश्चिमी विचारक यानी पश्चिम के जो थिंकर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि ये दुनिया जो है सिर्फ स्वार्थ से ही भरी पड़ी है यहाँ पे कुछ और है ही नहीं बड़े बड़े प्रवचन भाषा देशोद्धार साहित्य कला सब में स्वार्थ निहित है यानी कि जितना सब कुछ आप साहित्य में देखोगे लिखा हुआ पढ़ा हुआ उपदेश है सब कुछ ये कहीं ना कहीं सब जगह स्वार्थ ही स्वार्थ है परंतु लेखक इस मत से सहमत नहीं है तो लेखक क्या कहते हैं कि हम इस मत से सहमत नहीं हैं। ऋषि ने तो बोला कि हर जगह स्वार्थ है लेकिन लेखक क्या कहते हैं मैं नहीं देखता कि हर जगह सिर्फ स्वार्थ है वह मानता है कि स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है वह मानता है व्यक्ति पूर्ण सुख का आनंद तभी ले सकता है जब उसमें समिष्ट बुद्धि आ जाए अपने आप को निचोड़ कर दूसरों के लिए निचवर करना होगा तो अब यहाँ पर लेखक का क्या मानना अभी तो हमने देखा कि बाकी जो विचारक हैं जो बड़े बड़े ऋषि हैं उनका मानना क्या था कि सब जगह स्वार्थ है लेकिन हमारे लेखक का क्या मानना है लेखक के मानना ये है कि इस जो ये स्वार्थ है जो है ना स्वार्थ है इससे भी बड़ी कोई चीज होती है इसको तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब अपने अंदर का सब कुछ हम निचोड़कर किसी को दें दे। अर्थात हम अपना सर्वस्व जब अर्पण कर देते हैं तब जो हमें आनंद मिलेगा वो स्वार्थ से कहीं ऊपर है कुटज के स्वाभिमानी चरित्र का वर्णन अब यहां पर हमने देखा कि उन्होंने बौद्धिक जो मत था वो अपना प्रस्तुत किया बाकी विचारकों में उनका कहना यहाँ पे अब ये बोलेंगे कि बौद्धिक विचारक तो हमारे इस निबंध से कहीं मैच नहीं खा रहा बिल्कुल मैच खा रहा है क्योंकि कुटज यहाँ स्वार्थ नहीं परमार्थ के लिए जीवित था और लेखक ने इसी को सामने रख के बताया क्योंकि बाकी सब विचारक का मानना था कि इस जीवन में स्वार्थ ही सर्वोपरि है कुछ भी होगा यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी होगी सब स्वार्थ के कारण ही होती है तो इसके विपरीत लेखक ने क्या बोला कि नहीं अपना सब कुछ अर्पण करके जो आनंद मिलता है वही सर्व स, सब कुछ है तो ये चीज उन्होंने किस चीज के लिए बोली कुटज के लिए बोली क्योंकि कुटज यहां अपना सब कुछ दे रहा है वो अपने लिए कुछ नहीं रख रहा है वो इतनी विपरीत परिस्थितियों में जीवित है जहां पर ना पानी है ना कुछ है इतना मौसम भी बहुत विकट है उसमें वो पत्थर के ऊपर खड़ा है अब देखिए पेड़ जो है पत्थर पे नहीं उगता लेकिन वो पत्थर पे उगकर अपनी जड़ों को एकदम पत्थर के नीचे मिट्टी में ले जाकर गड़ाता है और जीवित रहता है उसे पानी कहाँ से मिलता है इन पत्थरों से ही मिलता है तो इसीलिए उन्होंने बोला कि वो अपना सर्वस्व अर्पण कर रहा है परमार्थ के लिए दूसरों के लिए भाई वो खिला हुआ है अपने लिए थोड़े खिला है इतनी विपरीत परिस्थितियों में खुला है मतलब दूसरे को आनंद देने के लिए वो खिला हुआ है अब आते हैं कुटज के स्वाभिमानी चरित्र का वर्णन अब ये कुटज जो हम पढ़ रहे हैं इसका भी अपना एक स्वाभिमान है क्या है लेखा स्पष्ट करता है कि कुटज मनुष्य की भांति किसी दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता और ना ही किसी से डरता है वह नीति और धर्म का उपदेशक भी नहीं है किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करता अपनी उन्नति के लिए अफसरों के जूते नहीं चाटता अंगूठी पहनने जैसे अंधविश्वास उसमें नहीं है वह शान से जीता है लेखक ने महाभारत के शांति पर्व का उदाहरण देकर बताया कि चाहे सुख हो या दुख प्रिय हो या अप्रिय जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर उल्लास सहित ग्रहण करो वह कुटज को देखकर रोमांचित हो जाता है कि ऐसी स्वार्थ रहित अपराजित भाव भी जीवन दृष्टि से उसे यानी कुटच कहां से मिली तो यहाँ पर अब कुटच से क्या बोलते हैं कुटज एक स्वाभिमानी पौधा है कैसे उसने वो कभी किसी दूसरों के द्वार पे जाके कुछ नहीं मांगता ठीक है ना ही वो किसी तरह की रूढ़ियों या अंधविश्वास में, में विश्वास करता है जैसे अब वो बोलेगा पेड़ है कैसे विश्वास करेगा तो यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखाई दे रही जा रही है प्रेजेंट जैसे मनुष्य है मनुष्य क्या है कि अपनी उन्नति के लिए वो दूसरों की जी हुजूरी करता है उनके तलवे चाटता है भाई ग्रह दशा अच्छी हो जाए तरह तरह की अंगूठियाँ पहनता है पूजा अर्चना करता है तो यहाँ पर ये सब करने से उसको जो है उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी वो प्रसिद्ध होगा ये सब करता है लेकिन इसके विपरीत कुटज ऐसा कुछ नहीं करता कुटज मतलब जो पौधा है उसके पास जितनी भी विपरीत स्थितियां हैं वो सिर्फ अपने कर्म पे विश्वास करता है यानी कि उसको किस तरीके से इस विपरीत परिस्थितियों में भी इस चट्टान पे खड़े रहना है अपनी मजबूती को बनाए रखना है वो उस पर यानी कि अपने कर्म पे ध्यान देता है ना कि बाकी सब चीजों पर ध्यान वो देता है तो इसलिए उसको क्या बताया एक स्वाभिमान शान से एकदम चुपचाप खड़ा है वो कुछ अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता अब यहाँ पर दूसरा जो उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरीके से लेखक बताते हैं कि सब कुछ अर्पण करके जो हमें जो कहते हैं उसको हम बहुत ही ज्यादा हर्ष प्राप्त होता है बहुत ही ज्यादा उल्लास प्राप्त होता है वो हम कुटच के अंदर देखते हैं कुटच अपना सब कुछ अर्पण कर देता है और सब प्रसन्न खड़ा रहता है सुख दुख के विषय में लेखक का चिंतन अब लेखक अंत में हमें सुख और दुख के विषय में चिंतन करते हुए दिखाई देते हैं बताते हैं क्या कहते हैं लेखक कहता है जो लोग दूसरों पर उपकार करने या दूसरों के उपकार को अपकार समझने का भाव रखते हैं वे मूर्ख हैं यानी कि वो बोलते जैसे हम हैं हमने अगर किसी का उपकार किया तो वो उसके बदले हमें गालियाँ दे हमें बुरा भला कहे तो क्या होगा ऐसा व्यक्ति क्या होगा वो मूर्ख है हम हाँ तो भाई उसका भला करने गए थे, लेकिन वो हमें क्या कर रहा है गालियां दे रहा है मनुष्य तो केवल जी रहा है और वह भी इतिहास विधाता की इच्छा पर अगर उससे किसी को सुख दुख मिलता है तो उसका अभिमान व्यर्थ है यानी कि हम मनुष्य जो हैं, हम मनुष्य जी रहे हैं। लेकिन हम ये सोचें कि हमारे कारण किसी को सुख प्राप्त हो रहा है हमारे कारण किसी को दुख प्राप्त हो रहा है तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये हमारे कर्म हैं हमको अपने कर्म को करते रहना चाहिए हम सोचें कि भाई हमने इतना बड़ा कार्य कर दिया तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा अभिमान आ जाएगा हु? आप अगर कभी कभी भी कोई एक किसी को कुछ हेल्प करो कुछ करो तो आपको प्राउड फील होता है प्राउड फील करना अलग है लेकिन अभिमान करना वो गलत हो जाता है नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए जिसका मन वश में है वही सुखी है और जिसका मन दूसरे के वश में है वह दुखी है। अर्थात हमें दुख अगर हमें दुख ही करना किसी दूसरे के हाथ में है तो जान लीजिए हम दुखी हमेशा बने रहेंगे अगर हमने अपने मन को वश में कर लिया कि मतलब हमारा खुश रहना हमारे मन के चाहे जो हमें कुछ कहता रहे कुछ सुनाता रहे कोई मतलब नहीं हम अपने आप में इंजॉय कर रहे हैं अपने आप में खुश हैं कोई हमें चाहे जितनी गाली दे कुछ कर दे कुछ बिगाड़ दे हमें कोई मतलब नहीं मगर हमारा मन हमारे मतलब हमको खुश करना या दुख करना ये हमारे अपने हाथ में होना चाहिए ना कि किसी दूसरे के हाथ में होना चाहिए दूसरों के मेरा वश में रहने वाला दूसरों की खुशामद करता है गिड़गिड़ाता है जीजूरी करता है परंतु कुटज इन मिथ्याचारों से मुक्त है वह राजा जनक की भांति संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है परंतु मन को अपने पर सवार नहीं होने देता लेखक कुटज को मनस्वी मित्र बताते हुए उसे धन्य मानता है तो उन्होंने बोला कि अगर हमारा मन दूसरे के वश में है तो हम अपने को खुश करने के लिए क्या करेंगे उसकी जी हुई करेंगे उसकी कही बातों को मानेंगे हम उसको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर हमारे वश में हैं तो हम क्या हैं हम स्वाभिमान के साथ मतलब अभिमान नहीं स्वाभिमान के साथ हम जी सकेंगे जिस तरीके से जो है राजा जनक हम की बात हुई जनक आपको पता है सीता माता के पिता उन्होंने क्या किया इस पृथ्वी पर रहे सारे भोगों को भोगा और अंत में उन भोगों से मुक्त होकर चले गए मतलब तकलीफ से नहीं गए वो खुशी खुशी गए कहने का तात्पर्य था कि उन्होंने अपने मन को अपने वश में रखा था ना कि दूसरों के वश में रखा था कि दूसरे उनको दुख पहुंचा सके तो कुटज भी इसी तरीके से है वो क्या है वो अपने आप में खुश रहता है ना कि दूसरों के यानी कि अब इसको आप कैसे समझोगे कुटज अपने लिए हर परिस्थिति में अच्छी अच्छी चीज ढूंढता है अगर भाई मौसम खराब होता है तो बाकी पेड़ क्या होते मुरझा जा जाते तो उनका अच्छा होना किस पर डिपेंड है मौसम पे डिपेंड है ठीक है लेकिन कुटज क्या है मौसम जैसा रहे जैसी परिस्थिति रहे वो हमेशा खिला रहता है फूलों से लदा रहता है तो इसको क्या बताया मनस्वी मित्र यानी मानवों का मित्र बताया है तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ अब इसी चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं ध्यान से देखिएगा चैप्टर एक निबंध के तौर पे है इसलिए समझना इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन ध्यान देते हुए चलिएगा हमने हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझाने की कोशिश करी है अब इसी चैप्टर पे जो हमारे पास कुछ प्रश्न हैं उनको देखिए पहला प्रश्न है कालिदास ने हिमालय को पृथ्वी का मानदंड क्यों कहा है तथा कालिदास ने आषाढ़ से प्रथमे दिवस किस संदर्भ में लिखा है अब कालिदास जो हैं उन्होंने हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा है ठीक है तो ये उन्होंने क्यों कहा है आपको ये बताना है और कालिदास ने एक लाइन लिखी है आषाढ़ से प्रथम दिवस ये उन्होंने क्यों कहा है ये पार्ट में दिया गया है तो ध्यान से देखिए क्या है हिमालय की श्रेणियां पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पश्चिमी समुद्र अरब सागर में प्रवेश करती हैं हम सभी को पता है हिमालय लंबा फैला हुआ तराजू के दोनों पर्णों की तरह बटी हुई प्रतीत होती है यानी कि एक तराजू होता है ना ऐसे बंधा है और ऐसे करके उसके दोनों पर्ले बटे रहते हैं पश्चिम से पूर्व तक फैले हिमालय पर्वत से ऐसे लगता है मानो इसे पृथ्वी के दो भागों में बांट दिया हो यानी कि जितना पूरा हिमालय जैसे लगता है कि पूरे दो भागों में ये हमारी पृथ्वी बट गई क्योंकि बहुत ऊंची श्रृंखलाएं एकदम बीच में आती हैं फिर आते हैं दूसरा हमारा जो दिया है कालिदास ने से प्रथम दिवस क्यों कहा है का इसी कारण कालिदास ने उसे पृथ्वी का मानदंड कहा है कालिदास के मेघदूत ग्रंथ का यक्ष अपना एक वर्ष उसको कहते हैं श्राप प्राप्त हुआ था ना तो वो अपना एक वृक्ष विरहा में यानी कि अपने प्रेसी से दूर वो हिमालय पर बिता रहा होता है हम्म निर्वास काल रामगिरी पर बिता रहा था आठ मास उसने जैसे तैसे पत्नी वियोग में बिता दिए किंतु जब वर्षा ऋतु के प्रथम महीने आषाढ़ के दिन आकाश में बादल देखे तो वह वियोग से भर उठा उस समय मेघ की दशा का वर्णन करते हुए कालिदास ने पहले श्लोक में का प्रारंभ आषाढ़ प्रथम दिवस से किया है मतलब एक साल उसको बिताने थे आठ महीने बिता लिए मगर जैसे ही वर्षा ऋतु आई तो उस तब उसको व्यक्त करने के लिए आषाढ़ का क्योंकि आषाढ़ महीने से वर्षा ऋतु शुरू होती है तो प्रथम दिवेश के साथ उन्होंने उस श्लोक को शुरू किया है क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास रहीम ने कुटज को क्या चपत लगाई थी और क्यों लगाई थी रहीम ने कुटज को क्या बोला था क्योंकि यहाँ पर वो जो है जिस तरीके से कुटज को सब बोलते हैं उसी तरीके से रहीम को भी इस संसार से उतना मान सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जैसे कि कुटज को प्राप्त नहीं हुआ था तो आपको वही चीज़ यहाँ पर बतानी है तो क्या है रहीम एक महान कवि तथा दरिया दिल आदमी थे उन्हें ना बहुत नेक दिल दूसरों की हेल्प करना ऐसे व्यक्ति थे लेकिन यह दुनिया स्वार्थी है जब उसका मतलब निकल जाता है तो उसे बहिष्कृत कर देते हैं रहीम के साथ भी यही हुआ एक राजा ने उनका आदर सम्मान किया तथा दूसरे ने उन्हें बाहर निकाल दिया इस पर रहीम को गुस्सा आया अतः खराब मानसिक स्थिति में उन्होंने कुटज को चपत लगा दी मतलब वो बहुत अच्छे इंसान थे कोई उन्हें सम्मानित कर रहा है और कोई उन्हें अपमानित कर रहा है तो इससे उनका मन दुखी हो गया तो अब उन्होंने दुखित मन से क्या बोला था वे रहीम अब बिरच कहें जिनकर छा गंभीर बागन बिच बिच देखिए कुटज करीर, तो किस तरीके से कुटज और अपनी उन्होंने सिमिलैरिटी यहाँ पर बताई थी जैसे कुटज को लोग सम्मान नहीं देते उसी तरीके से उनको भी कोई सम्मान नहीं देता है लेखक रहीम की चपत के दो कारणों से सही नहीं मानता है क्या नहीं मानते हैं लेखक इस बात से सहमत नहीं है रहीम ने जो बोला क्या फूलों से लदे कुटज की तुलना सेहुड़ व करीर से करना उचित नहीं उन्होंने कुटज की तुलना सेहुड़ और करीर से करा करीर मतलब कांटे वाली झाड़ियों से उन्होंने करा था कि जैसे कि कुटज सेहुर और करीर होते इन सबको एक समान बता दिया लेकिन कुटज तो फूलों से लदा रहता उसमें तो कांटे नहीं होते इसलिए लेखक इसको सही नहीं मानते सिमिलैरिटी की तरह जैसे समाज ने उन्होंने क्या बोला कि बाग के बीच में जो है बीच बीच में सेहुड़ कुटज और करीर खड़े हैं यानी कि बहुत ही सुंदर बाग है और उसके बीच में कौन है सेहुड़ का पेड़ है कुटज का पेड़ है और करीर का पेड़ है तो ये सभी बेकार पेड़ हैं जो बागों के बीच में खड़े रहते हैं तो इसलिए उन्होंने बोला कि कुटज तो फूलों से लदा पेड़ है उसका सेहड़ और करीर से उन्होंने क्यों तुलना करी फिर आते दूसरा दूसरे गिरिकूट बिहारी कुटज बागों में होता ही नहीं है अतः कवि ने कुटज के संबंध में गलत बयानी की है। अब कुटज जो है ये कहाँ होता है गिरिकूट पर्वत पे यानी कि ये ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों पर होता है ये किसी बाग बगीचे में नहीं होता अगर उन्होंने इन सब चीज़ों से सिमिलैरिटी करी है तो ये गलत है तो नीचे ना वे रहीम अब बिरच कहां यानी कि उनको कोई प्यार करता है कोई धुतकार देता है जिस तरीके से क्या उन्होंने बताया कि जिस तरीके से फूलों से लदे बगीचे में सेहुड़ करीर और कुटज खड़े हुए हैं यानी कि यहाँ पे कुछ लोग अच्छे भी हैं कुछ लोग बुरे भी हैं बहुत सारा फूलों से भरा भाग है लेकिन बीच बीच में कांटों का पेड़ भी आ जाता है तो इस शब्द को लेखक ने सही नहीं बताया है इन कारणों से प्रश्न संख्या तीन है कुटज वृक्ष की किन्हीं सात विशेषताओं का वर्णन कीजिए तो कैसे द्विवेदी ने कुटज वृक्ष की विशेषताओं का वर्णन किया है जो निम्नलिखित है अपरे अपराजय जीवन शक्ति से युक्त है वह अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है यानी कि जितना भी जो है उससे अपोजिट सिचुएशन हो वो उन सिचुएशन से कभी भी हार नहीं मानता है वह उजाड़ का साथी है शिवालिक पर्वत की श्रृंखलाओं जैसे उजाड़ में भी वह पुष्पों से सुशोभित रहता है ऐसी पर्वत श्रृंखला जहां पर पेड़ों का नामोनुशान नहीं रहता हरियाली का नामोनुशान ऐसी श्रृंखला पर भी वो खड़ा रहता है कुटत स्वाभिमानी प्रकृति का वृक्ष है वह किसी से भीख नहीं मांगता तथा शान से जीता है मतलब वो क्या है अपने लिए परिवेश से कुछ नहीं मांगता जैसी भी परिवेश हो उसमें वो चुपचाप सावधानी से अच्छे तरीके खुशहाली के साथ खड़ा रहता है वह मतलब भी, भी कुटज की परोपकारी प्रकृति ये है वह अपनी जड़ों से पर्वतों के गण दबाकर नदियों को बता देता है कि इसका स्रोत यही है यानी कि उसकी जो जड़ें है वो कहा खड़ा होता है चट्टानों के ऊपर उगता है और उसकी जड़ें कहा जाती हैं यानी कि जड़ में चली जाती हैं और नदी के स्रोत से भी पानी खींच के लिए अपने लिए आती हैं बताती हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और ये मेरी जड़ें हैं और ये तुमसे पानी खींच कर लेके जा रही हैं चाहे जितने ऊंचे पर्वत पर हो कुटज विषम परिस्थितियों में परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहता है वह सुख दुख प्रिय अप्रिय में समान भाव रखता है यानी कि वो खुश है तब भी सही है अच्छा दुखी है तो तब भी वो वैसे ही रहता है कोई अपना है कोई पराया है वो हर परिस्थिति में एक ही जैसा रहता है प्रश्न संख्या चार है कुटज क्या है उनके जीवन उसके जीवन की उन विशेषताओं का अलग कीजिए जो मनुष्य के लिए प्रेरणादायी है अब आपको बताना है कुटज है क्या एक प्रश्न ये दूसरा उसकी वो विशेषताएं जो हमें प्रेरणा प्रदान करती हैं वो बतानी है क्या है कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली फूल है इसके फूलों में सौंदर्य और सुगंध नहीं होती परंतु इसमें मनुष्य को प्रेरणा देने वाली अनेक विशेषताएं निहित हैं जो इस प्रकार है मतलब वो देखने में तो सुंदर है मगर उसमें सुगंध नहीं होती और यह हमको बहुत तरीके से प्रेरणा प्रदान करता है क्या है पहला यह वृक्ष व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में आनंदित रहने की प्रेरणा देता है कहने का मतलब हम सभी के जीवन में सुख दुख आता रहता है तो वो बोलते हैं कोई भी परिस्थिति हो हमेशा आप प्रसन्न रहिए दूसरा यह स्वाम स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देता है कि दूसरों के द्वार पर भीख मांगने मत जाओ परंतु अपने प्राय प्राप्य पर प्राप्य हर हाल में वसूल करो मतलब अब जैसे वहां पर वो चट्टान पे खड़ा है अब चट्टान पे वो ये वेट नहीं करता कि कोई उसकी जड़ों में आकर पानी डाले वो क्या करता है उसे पानी चाहिए तो उसकी जड़ें चट्टानों से भी नीचे होकर जहां नदियां बहती हैं वहां से पानी खोज के अपने लिए ले आता है दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहता है व्यक्ति को आत्मसम्मान शान के साथ जीने तथा सदैव सफलता पाने का प्रयास करने की प्रेरणा देता है यानी कि आप आत्मसम्मान के साथ जी मतलब जीवित रहिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहिए, साथ ही आपके साथ कोई कुछ भी करे लेकिन अभी हमेशा आपको अपने सम्मान को बचाए रखना है जैसा कि कुटच करता है सुख दुख हार जीत प्रिय प्रिय आदि में समान भाव अपनाने की प्रेरणा देता मतलब हर परिस्थितियों में हमें एक ही भाव रखना होता है तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट का फटाफट एक्सप्लेनेशन और कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए अभी आगे और भी आपके चैप्टर्स आने वाले हैं इनको आप कहाँ पर देखोगे या जो हम करा चुके हैं उनको तो उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट प्रिंस पे जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर है सी इंग्लिश मीडियम आप इस पर क्लिक करोगे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने वन शॉट रिविज़न आ जाएगा इसे क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी क्लासेज जा आ जाएंगे जिनमें वन शॉट रिविज़न अवेलेबल है अब आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से क्लास ट्वेल्व के वन शॉट रिवीजन की जो है पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी अब आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जैसे हिंदी है यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करते ही आपके सामने बुक्स और चैप्टर्स दोनों ही आ जाएंगे अब आपका जो भी चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है उसे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से वीडियो देखिए अपने सारे रिविज़न को कंप्लीट कीजिए लेकिन साथ ही हमारा एक चैनल और है मैगनेट पेंस हिंदी उसे भी जो है सब्सक्राइब कीजिए और आपके आसपास जो लोग हिंदी मीडियम में हैं उन्हें भी सजेस्ट कीजिए कि यहाँ पर आकर अपनी सभी समस्याओं का निराकरण वो यहाँ पर कर सकते हैं हमारे चैनल पे आपको जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है ये टोटली अरेंज्ड है आपको एक टॉपिक पढ़ने के बाद या एक चैप्टर पढ़ने के बाद इधर से उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती उसका लिंक दूसरे ही आपको तुरंत मिल जाता है टोटली अरेंज है जैसे हम बुक में हर एक चीज देखते हैं तो इसीलिए हम चाह हम चाहते रहते हैं कि आपका कोई भी परेशानी नहीं हुआ आपको किसी तरह की कोई परेशानी न झेलनी पड़े तो इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय